आज हम लोग SFM में एक थियोरेटिकल चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नेम है स्टार्टअप फाइनेंस। बहुत छोटा चैप्टर है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, अभी भी पिछले एग्जाम में आया हुआ था। देखते हैं क्या कहते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो एक काम करिए, आपके पास बुक अवेलेबल होंगे, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपके पास बुक है, उस बुक में एक दो क्वेश्चंस को बस एक रेफरेंस ऐड कर लीजिए जो अभी रिसेंटली ऐड किया है इंस्टीट्यूट ने। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो PDF आपको अवेलेबल है, उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें तो ऑलरेडी अपडेटेड है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है स्टार्टअप फाइनेंस में, देखिएगा। ये देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या क्या अपडेट करना है पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो सम इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप है, इसके अंदर ये जो सम इनोवेटिव वेज है, ये आपका मई 2019 के MTP में एक क्वेश्चन डाला है, टॉपिक वही है, बस क्वेश्चन ऐड किया है। एक आपका ये एंजल इन्वेस्टर जो है, ये नवंबर 2018 के जो एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ था। ये दो रेफरेंस आपको ऐड करना है, देख लीजिए फटाफट क्या क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन ये वाले जो ये पिंक कलर वाले दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला है अभी, कहते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। ये अभी आपको MTP मई 2019 में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स में डाला हुआ था, जबकि ये क्वेश्चंस पहले से थे, ये टॉपिक हमारे पास पहले से। सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए कि इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। टॉपिक पढ़ लेंगे, सारा चीज़ रट्टा लगा लेंगे, अगर क्वेश्चन ही नहीं मालूम कि किस तरीके का आ सकता है तो फिर वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। आइएगा आगे, एक और चीज़, एक तो ये अपडेट कर लिया आपने, ये जो आपका पिच प्रेजेंटेशन है, इसको भी MTP नवंबर 2018 में इंस्टीट्यूट ने डाल रखा था, ये भी रेफरेंस एक ऐड कर लीजिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखें, एंजल इन्वेस्टर नवंबर 2018 के 4 मार्क्स में आया हुआ था, इसको भी अपडेट कर लीजिए। और फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो बस यही है। चलिए तो अब एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है स्टार्टअप फाइनेंस और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सबसे पहली बात कि बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग क्या होता है। ये देखो क्वेश्चन तो यहाँ पूछा गया है कि स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंसेज होता है, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। तो देखिए अगर स्टार्टअप को डिफाइन करना हो, सबको मालूम है कि अगर कोई भी पर्सन एक कोई नया काम शुरू करते हैं उसी को कहते हैं स्टार्टअप। और नया काम शुरू करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेंगे, या तो आपके खुद के पास पैसे होंगे, आप खुद के पैसे से कर लोगे, आपके खुद के पास नहीं होंगे, किसी दोस्तों से या किसी से अरेंज करोगे। वो जो कहीं से फंड रेज करना नए बिजनेस के लिए, उसको हम बोल सकते हैं स्टार्टअप फाइनेंस। अब यहाँ सवाल ये होता है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ये कि स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योर में क्या कंपैरिजन करके आप क्या बताओगे। ध्यान से देखिए, पहले एंटरप्रेन्योर को समझिए क्या होता है। कोई भी एक बिजनेस जो खुद एक कोई भी काम करते हैं हम लोग, चाहे वो सर्विसेज देना स्टार्ट करो या चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करिए, वो जो आपने खुद एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें दो चार लोगों को काम दे सकते हो। देखिए दो चीज होता है, या तो आप खुद एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं कहीं भटकते रहो, हमें यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, हम काम के लिए दूसरे के पास भटकते हैं, या हम कुछ अपना करते हैं जिससे लोगों को काम देते हैं। कुछ अपना करना और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो अब यहाँ पे बताओ, मैं अगर स्टार्टअप कर रहा हूँ तो ये भी तो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, तो फिर ये क्या डिफरेंसेस पूछ रहा है। देखो डिफरेंसेस नहीं है ऐसे समझो आप, बस ये बताना है कि एक स्टार्टअप में क्या होता है। देखिए मेरे दिमाग में कुछ थॉट चल रहा है कि अरे मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसे ऐसे अगर करूँगा तो ये बढ़िया हो जाएगा। आपके दिमाग में एक कुछ इनोवेटिव आइडिया है, उस आइडिया को आप एक बिजनेस का रूप देना चाह रहे हो, उसको आप शुरू करना चाह रहे हो। क्या कोई ज़रूरी है आप जो शुरुआत कर रहे हो वो सक्सेस होगा ही होगा? अगर सक्सेस हो गया तो आपके स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ऐसे समझो, शुरुआती बिजनेस जो है वो सक्सेस हो भी सकता है, फेल भी हो सकता है। तो यानी कि जो आप स्टार्टअप कर रहे हो वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हो, यानी कि सारे के सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है।
लेकिन जब वो बड़े लेवल पे चला जाएगा तो लोग उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यानी कि सिंपल देखो इसको कैसे इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया, कहते देखो स्टार्टअप इज ए पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी कि सारे के सारे स्टार्टअप सक्सेस होगा ये कोई जरूरी नहीं है। यानी कि आपका स्टार्टअप सक्सेस हो गया तो उसी चीज को हम क्या बोलने लग जाएंगे, हम अब एंटरप्रेन्योरशिप बन गए, हम एंटरप्रेन्योर बन गए, अब हमारा जो है ये लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे। तो इसी तरीके से कुछ डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखना है। देखो डिफरेंस तो ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कोई भी एंटरप्रेन्योर बना है तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के साथ ही आया है। यानी कि एक स्टार्टअप स्टैब्लिश्ड हो जाए, पुराना हो जाए, तो उसी को लोग एंटरप्रेन्योर बोलने लग जाते हैं। और अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो वह कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए। यानी कि सारे के सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, लेकिन एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक छोटा है। इस तरीके से आपको कंपैरिजन करके लिखना है आपको। तो यही बोला है डिफरेंसेस बिटवीन। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, मेन स्टार्टअप इज टू बिल्ड अ कंसर्न। उसका स्टार्टअप का मेन मकसद क्या होता है कि एक एक कंसर्न या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कोई बिजनेस हम बस स्टार्ट करें। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो कह रहे हैं, हमारे दिमाग में जो एक आइडिया है वो कम से कम एक रियलिटी में कन्वर्ट तो हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है स्टार्टअप का। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टअप का मेन एम जो है एक कंसर्न को बिल्ड करना, यानी कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना। लेकिन ऑन अदर हैंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, यानी कि यहां पे देखिए ऑन अदर हैंड जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, इन द एंटरप्रेन्योर कंसर्न इज टू अटेन अपॉर्चुनिटी विथ रिगार्ड टू द रिसोर्सेज दे करेंटली कंट्रोल। यानी कि सिंपली ये समझिए कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है उसका बस एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है उसको अटेन करें, उसको हम एक बड़े से बिजनेस के रूप दें। ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है। स्टार्टअप जनरली डज नॉट हैव अ मेजर फाइनेंशियल मोटिव। यानी कि कहते हैं स्टार्टअप का मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी पैसे कमाना नहीं है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पैसे कमाना, मेनली यही है। यानी कि स्टार्टअप जो कर रहे हैं वो ये दिमाग में नहीं चल रहा है कि हम पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, वो ये कहता है एटलीस्ट हमारा एक आइडिया जो है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, एक काम शुरू तो हो जाए। बाद में सक्सेस होगा, हम पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे जब बड़े हो जाएंगे तो दिमाग लगाएंगे। तो ये भी चीज आपको एक लाइन लिखना है कि स्टार्टअप का मेन जो एम होता है कि हमारा एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर दे, पैसे कमाए ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योरशिप है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम पैसे कमाएं। फिर कहते हैं प्रायोरिटीज एंड चैलेंजेस क्या है, क्या प्रायोरिटी दिया जाता है स्टार्टअप को। जैसे आप देखते हो कि गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स वगैरह को कहते हैं कुछ चैलेंज कुछ प्रायोरिटी देता है, लो तुम्हें कुछ बेनिफिट दे रहा हूँ, तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है, स्टार्टअप कर रहे हो तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है। और फिर उसको कहते हैं कि वो जो स्टार्टअप है उसको कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस क्या क्या है, कुछ डिफिकल्टीज फेस करने होंगे क्योंकि इनिशियल लेवल पे कोई भी बिजनेस करते हैं उसको डिफिकल्टीज फेस करना होता है। तो क्या प्रायोरिटी है, क्या चैलेंजेस है, ये सारे चीज हमें क्या करना है देखना है। तो देखो इसमें क्या बोला है प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी में ये बोला गया है कि मेन प्रायोरिटी गवर्नमेंट का ये है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है एक एग्जिस्टेंस में आए। यानी कि मोर एंड मोर स्मॉल फॉर्म इनटू एग्जिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जिस्टेंस में आए और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, यानी कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो जाए, कहीं पे काम ढूंढने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। एक कहता है कि देखो इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इसका एक प्रायोरिटी हो गया। प्रायोरिटी में दो पॉइंट जरूर लिखना आप कि एक चीज तो ये हो गए कि ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर स्मॉल फॉर्म जो होते वो एग्जिस्टेंस में आ जाए, ये एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का, ये कहते हैं ये होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रायोरिटी हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या चैलेंजेज है, यानी कि क्या डिफिकल्टीज इसको फेस करना होगा। एक चीज याद रखो स्टार्टअप के साथ दिक्कत क्या है, आपका आइडिया आपने
जनरेट तो कर लिया, आपने बिजनेस के फॉर्म देना भी चाह रहे हो, लेकिन सक्सेस होगा या नहीं होगा इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है, और बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करने होंगे। क्योंकि आप देखिए, ये बोल रहा है कि आपका कुछ गेटिंग दी राइट टैलेंट, सबसे पहले तो ये बोला है चैलेंजेस ये है कि स्टार्टअप के लिए एक राइट टैलेंट, एक टैलेंटेड पर्सन जो है वो ढूंढ पाना बहुत जल्द मुश्किल है। क्योंकि देखो, हर इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं जो सोचूंगा वही सही है, हर लोग सोचता है। जिसको नहीं भी कुछ आता है वो भी सोचता है कि मैं जो सोचता हूँ मेरा सक्सेस होगा। तो हर स्टार्टअप के साथ यही दिक्कत है, वो क्या सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो सक्सेस हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका जो सोच है वो अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टैलेंटेड नहीं, टैलेंट नहीं आपके पास, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये जो है एक चैलेंज है, यानी कि राइट टैलेंट मिल पाना मुश्किल है। फिर क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्दर, स्टार्टअप हैड टू कॉम्प्लाई विथ न्यूमरस रेगुलेशंस। स्टार्टअप को बहुत सारे रेगुलेशंस यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है, विच एस्केलेट द कॉस्ट, जिसकी वजह से उसका इनिशियल कॉस्टिंग जो है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि और इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिलेइंग दी चांसेज ऑफ ब्रेक इवन। ये इसका डिफिकल्टी हुआ, चैलेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए आपके कॉस्ट एस्केलेट हो जाएगा, एस्केलेट होने का मतलब बढ़ जाएगा कॉस्ट, और इसीलिए ब्रेक इवन अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्टार्टअप का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पहले नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो आ जाए, अरे पैसे तो कमा ही लेंगे, अगर हमने 2 साल भी बिजनेस अगर कर लिया और अगर हम ट्रैक पे आ गए तो पैसे तो कमा ही लेंगे, कम से कम ब्रेक इवन तो अचीव कर ले। तो कहते हैं ये एस्केलेटेड कॉस्ट की वजह से आपका ब्रेक इवन जो होगा वो डेफर हो जाएगा, और उस डेफर होने की वजह से आपका जो क्या कहते हैं पैसे कमाने की जो चांसेस है वो कम हो जाएगा, और हो सकता है ज्यादा दिन लग जाएगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक चैलेंज हो गया। तो आप याद रख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में कंपैरिजन करके अगर चैलेंजेस एंड उसके जो प्रायोरिटीज लिखना है, जैसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था मई 2018 के एमटीपी में, आप कंपेयर करिए स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर को और फिर डिस्क्राइब कीजिए प्रायोरिटी और चैलेंजेस क्या है। ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा गया है, तो आपको सारे चीज लिखने पड़ेंगे। स्टार्टअप एक एक माइंड में जो कुछ एक थॉट है, यानी कि हम एक आइडिया है, उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योर जो है वो एस्टैब्लिश एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टअप अगर एस्टैब्लिश हो गया तो उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलने लग जाते हैं। तो ये तो रहा हमारे लिए क्या है डिफरेंसेज, उस चीज़ों को लिखिए, 2-3 पॉइंट को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद प्रायोरिटीज और चैलेंजेस लिखिए। प्रायोरिटी में एक चीज़ है कि एग्जिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे फॉर्म को एग्जिस्टेंस में लाना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ये प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का। चैलेंजेस ये है कि राइट टैलेंट मिलना मुश्किल है, उसके बाद जो एक रेगुलेशंस वगैरह को जो फॉलो करना है स्टार्टअप को, उसके लिए कॉस्ट एस्केलेट हो जाएंगे, जिससे हमारा ब्रेक इवन डिफर कर जाएगा। ब्रेक इवन डिफर करने का मतलब हम ज़्यादा दिन के बाद ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं, और उस केस में जो होगा हमारा पैसे कमाने की जो टाइम है वो लंबा हो सकता है। ये आ गया क्या कहते हैं चैलेंज में। अब देखो सम ऑफ दी, अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक कहते हैं सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। इनकी बिल्कुल नए नए तरीके का मेथड, इनोवेटिव मतलब एक नया मेथड, इनोवेट कर रहे हैं हम कुछ, एक नई चीज जनरेट कर रहे हैं, उस तरीके का कुछ इनोवेटिव वेज बताओ जिससे हम स्टार्टअप को फाइनेंस कर सकते हैं। अब खुद सोचो, एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपके पास कुछ एक आइडिया था किसी चीज़ के रिगार्डिंग, और वो कह रहे हो कि ये आइडिया को मुझे रियलिटी में लाना है। जैसे आप देख रहे हो आज के डेट पे ओला और उबर जो है, एक नया इनोवेटिव वेज है, जहाँ पे देख रहे हो कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज बुक किया जा रहा है। तो जिस टाइम किसी ने सोचा होगा, एक उनको नया लगा होगा कि अरे इस तरीके का हम कुछ क्या करते हैं, एक फैसिलिटी के साथ लेके आते हैं, इसके लिए करना क्या है, बस एक मोबाइल ऐप्स डेवलप करने हैं, उसको बस किसी तरीके से मैनेज करने हैं, ड्राइवर्स लोगों को जोड़ने हैं, उनको उन्हीं का खुद का पर्सनल एसेट्स होंगे, उन्हीं को हम सर्विसेज देंगे। ये किसी के दिमाग में थॉट आया फर्स्ट टाइम, तो वो अब उसके लिए जो फाइनेंस करने जाएगा तो क्या क्या तरीका ढूंढ सकता है। अब खुद सोचो, जब किसी एक बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जब जरूरत पड़ेंगे, तो वो सबसे पहले ये जानना चाहेगा जो भी आपको पैसे देंगे, क्या आप अपना पैसे लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो।
बहुत बार होता क्या है, हम एक नया आइडिया के साथ एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं और हमारे खुद के पैसे नहीं है, तो जो हमें पैसे देते हैं उनको भी लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टअप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि आपका बिजनेस या तो फेल होंगे या तो सक्सेस होंगे। ज़्यादातर चांसेज है कि फेल होगा अगर राइट टैलेंट नहीं मिला तो, जिसको आपने चैलेंजेस में अभी पढ़ा है। तो क्या क्या इनोवेटिव वेज हो सकता है, ये सब आपको याद करना है। तो सबसे पहले देखिए याद करने का तरीका, सबसे पहले शुरुआत करो खुद से। खुद से शुरुआत करने का मतलब ये हो गए कि आपको पहले तो अपना पैसा लगाना है, यानी कि सेल्फ फाइनेंसिंग, ये आपका एक इनोवेटिव वे है। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट आ गया इसमें स्टार्टअप के लिए, सबसे पहला पर्सनल फाइनेंसिंग। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना पैसे लगाइए। अब इसमें पढ़ लीजिए, दो चार लाइनें जैसे भी है उस कहानी बना के लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए देखिए, ये एक तो पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया, खुद से लगाइए। दूसरा क्या होगा, पर्सनल क्रेडिट लाइन। पर्सनल क्रेडिट लाइन से आप क्या करिए, फंडिंग करिए। बोलोगे ये क्या मतलब हो गया, आपका एक पर्सनल क्रेडिट है मार्केट में। बोलोगे ये कौन सी क्रेडिट होता है, जैसे आप देखते हो एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कहते हैं कि देखिए वन ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, यानी कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो वन क्वालिफाइज फॉर पर्सनल क्रेडिट लाइन बेस्ड ऑन वंस पर्सनल क्रेडिट एफर्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का एक बिल आता है, आपको एक ड्यू डेट दिया जाता है, इस ड्यू डेट के अंदर पे करना है, आप टाइम पे कर देते हो, टाइम से डिले नहीं करते हो, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा आप टाइम पे पेमेंट करते जाइए। देखिएगा बैंकिंग सिस्टम में एक बैकएंड पे आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाता है, अगर आपका हमेशा पेमेंट सही टाइम पे हुआ है तो वो देखना उसी क्रेडिट कार्ड पे आपको बहुत सारे ऑफर देने लग जाते हैं। बहुत बार तो आपको ये बोलेंगे कि मैं आपको ना लोन देना जा रहा देने जा रहा हूँ, आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का वो बहुत ही सही है, तो आपको ना इस पे बैंक एक ऑफर दे रहा है, आप एक लोन ले लीजिए। अगर आप यूज़ करते होगे तो देखते होंगे कभी कभी आपको इस तरीके का कॉल आ जाता है बैंक से कि आपके सिविल स्कोर को देख के, आपके परफॉर्मेंस को देख के, या आपके जो पेमेंट शेड्यूल है उसको देख के बैंक ना आपको एक लोन ऑफर कर रहा है। यानी कि हमारे किस चीज़ पे लोन दे रहा है वो, हमारे अपने क्रेडिट लाइन पे। क्रेडिट मतलब हमारा एक मार्केट में जो एक ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है बैंकिंग सिस्टम पे, उस ट्रस्ट को देखते हुए बैंक मुझे पैसे दे रहे। यानी कि पर्सनल फाइनेंसिंग जेब से लगाइए, या हमारा अपना जो मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है उसके बेसिस पे जो मुझे फंड किया जा रहा है उससे हम अपना फंडिंग कर ले, यानी कि पर्सनल फाइनेंस या पर्सनल क्रेडिट लाइन। दो तो हमारे लिए हो गया, पर्सनल क्रेडिट लाइन, ये दो चीज हो गए। तीसरा, इसके आगे अगर आप बढ़ते हो तो आप अपने फैमिली वाले से पैसे ले सकते हो या आप अपने दोस्त से ले सकते हो। तो फैमिली एंड फ्रेंड से भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टार्टअप को फाइनेंस कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टअप की जो पैसे की जरूरत है उसके हम तो अपने जेब से लगा सकते हैं, हम अपने क्रेडिट लाइन से लगा सकते हैं, यानी कि वो हमारा जो ट्रस्ट है उससे बैंक से जो मिल जाएंगे उससे पैसे लगा सकते हैं। तीसरा, फैमिली वाले जो होंगे वो भी मुझे फंडिंग कर सकता है, या हमारे जो दोस्त है वो भी फंडिंग कर सकता है, फैमिली एंड फ्रेंड भी आ गया। उसके बाद एक इनोवेटिव वे आता है जिसमें कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग, पीयर टू पीयर फाइनेंस। यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आज देखते हो OLX पे जाते हो, उम्मीद करता हूँ OLX आप लोग सबने यूज़ किया होगा, नहीं यूज़ किया है तो बस पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए ही सही, एक बार जरूर यूज़ कर लीजिए। पुराना मोबाइल पड़ा होगा, कम से कम उसी को बेच के देख लीजिए कैसे ऐड डलता है, कैसे आपके पास कॉल आता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस वहाँ से भी गेन हो जाएगा। आप देखोगे तो OLX पे क्या होता है, देखिए आपको कोई सामान बेचना है आप वहाँ पे ऐड डालते हो, जिसको सामान खरीदना है उसको विजिट करता है और आपको पर्सनली कॉल करता है, और पर्सनली कॉन्टैक्ट करके जहाँ पे भी आपको प्राइस मैच हो जाता है तो आप अपने सामान डिलीवरी कर देते हो, वो आपको पैसे दे देते हैं, काम खत्म हो जाता है। यानी कि OLX आपको क्या करता है, एक मिलन कराने का काम करता है, मिलन का प्लेस है। किस चीज़ों के लिए हम मिलते हैं, यूज्ड प्रोडक्ट को बाई सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। वैसे आप देखते हो तो बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है अलग अलग चीज़ों के लिए, वैसे ही एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे पैसे लगाने वाले और पैसे लेने वाले दोनों का अगर मिलन होता हो, उस तरीके के जो लेंडिंग वाले जो वेबसाइट वगैरह है उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग। यानी कि क्या हुआ, वन टू वन,
आपको पैसे देने हैं, मान लीजिए मेरे पास सरप्लस फंड है, मैं सरप्लस फंड किसी को देना चाहता हूं और जिसको लेना है उसको ले, मतलब जिसको जरूरत है उसको हम देना चाह रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आता है कि ऐसे बंदे को हम ढूंढे कहाँ। जैसे आप सोचिए, आज से कुछ दिन पहले, 5 साल 6 साल 10 साल पहले किसी को एक सामान बेचता था, एक मोबाइल बेचना होता था, तो सिर्फ जान पहचान के लोगों को आप बेच सकते थे, क्योंकि एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिस प्लेटफॉर्म पे कोई आता और आपसे एक अनजान पर्सन जो है आपको कहता कि आप मोबाइल बेचना चाह रहे हो, मैंने आपका ऐड देखा है। तो कम से कम ये जो एक OLX है वो एक ऐसा काम कर लिया जिसमें लोगों को जो नहीं जानते एक दूसरे को उसको मिलन कराने वाले काम कर लिया। मैं कहता हूं ऐसे ही मिलन कराने वाले काम कोई एक इंस्टीट्यूट करे, यानी कि कोई एक ऐसा एंटिटी करे जो हम दोनों को मिलवाने वाले काम करे। तो वो जो है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए ये देखिए, एक मैंने स्क्रीन पे आपको एक खोल दिया, एक कोई लैंड, ये देखिए लैंड बॉक्स करके एक कोई वेबसाइट है, लैंड बॉक्स, landbox.in। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए, पीयर टू पीयर लेंडिंग नाउ इन इंडिया विथ लैंड बॉक्स, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग चल रहा है यहाँ पे। जैसे आप OLX देखते हो ना, एग्जैक्टली ये OLX के जैसे, लेकिन यहाँ याद रखना कोई ह्यूज प्रोडक्ट बाई सेल नहीं होंगे। यहाँ जिसको पैसे लेने हैं वो अपना बोरोविंग का रिक्वेस्ट डालेगा, जिसको पैसे देने हैं वो लेंडिंग का रिक्वेस्ट डालेंगे, या हम बायर सेलर ढूंढ के यहाँ पे क्या करेंगे, पैसे देंगे। बोलो कि होता कैसे, काम कैसे करता है, बहुत सिंपल। आप पहले यहाँ बताइए, आप बोरोविंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या एज ए इन्वेस्टर अप्लाई करना चाह रहे हो। मान लीजिए आप कहते हो अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, आपको लोन के लिए करना है, लोन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा एज ए बोरोवर, यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, अप्लाई हियर। यहाँ पे अगर अप्लाई करने जाते हो तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे। अब आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि गेट अप्रूवल इन मिनट्स, कुछ ले रहे कि लोन का पर्पस क्या है, कितना लोन का अमाउंट लेना चाह रहे हो, लोन का ड्यूरेशन क्या है, आपका सिटी क्या है, सारा चीज लेंगे। और बाद में जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वेरीफाई करेगा, क्योंकि आप सोचिए मैं लोन लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई जो बंदा आके मुझे लोन देगा उसको भरोसा होना तो चाहिए कि मैं सही बंदा हूँ। तो मेरे जो क्रेडिट वर्दिनेस है या मैं जो भी कुछ बोलूंगा उसका डिक्लेरेशन ये सारे प्रूफ भी लेगा, धीरे धीरे जब मैं इसको फॉर्म फिल करते जाऊंगा तो सारे चीज मेरे से मांगेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सैलरीड हूँ, मैं महीने का कितना कमाता हूँ, तो मुझे प्रूफ मांगेगा। नहीं तो एक चीज सोचो, ऐसे तो गलती में कोई भी फर्जी में बोलेगा कि हाँ मैं ये हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ से 1 लाख रुपये फंडरेज कर देता हूँ और बाद में मेरे को ट्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे होगा। जैसे नॉर्मली बैंक भी लोन देता है तो बैंक भी आपका ये हैसियत देखना चाहता है कि कल वो ऐसा ना हो जाए कि आप भाग जाओ। तो वैसे ही लैंडबॉक्स वाले जो क्या कहते हैं टीम है, वो इस बातों को अश्योर करता है कि जो भी बोरोवर आएगा वो जेन्यून होगा, वो हर चीजों को वेरीफाई करेगा, तभी आपको सामने वाले को एक्सेस देगा देखने के लिए कि डिपॉजिटर का मेरे को मेरा प्रोफाइल देख लो। क्योंकि बोरोवर डिपॉजिटर का प्रोफाइल पहले चेक करता है, और जो बोरोवर है, बोरोवर को तो किसी का प्रोफाइल ही चेक नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्क किसको है, डिपॉजिटर को। तो हमने जो अभी यहां बोला था कि एज ए बोरोवर में यहां क्या कर रहा था, रजिस्टर कर रहा था, एज ए डिपॉजिटर यानी कि मनी लेंडर भी आप इसमें क्या कर सकते हो, बोरोवर कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो, देखो ये कहता है इन्वेस्टर और बोरोवर दो है। बोरोवर की बात करते तो चलो, बोरोवर के केस में वहां तो पर्सनल लोन की बात करते, यहां बोरोवर में कहते हैं अनसिक्योर लोन ऑनलाइन विथ पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब आपको ये सारा डिटेल्स मांगेंगे कि बोरोवर में क्या, क्यों बोरो करना चाह रहे हो, बोरोवर का एलिजिबिलिटी क्या है, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव लिस्टिंग, पर्पस ऑफ लोन, रिपेमेंट इंटरेस्ट रेट, ये सारा चीज आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो वापस आते, एज ए बोरोवर अगर मैं करता तब की बात है ये। मैं फिर से दोबारा जाता हूँ, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं लॉगिन आईडी क्रिएट करूँ तो क्या होगा। ये कहते हैं देखिए, ये कुछ आपको RBI नोटिफाइड NBFC पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, याद रखना अब इतना बड़ा काम कर रहा है ये, दो बोरोवर और डिपॉजिटर को मिला रहा है, तो ऐसे ही तो बिना किसी रिक्वायरमेंट का तो, सॉरी बिना किसी परमिशन का तो कर नहीं सकता है। तो ये एज ए NBFC RBI से परमिशन ले रखा है पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए। याद रखना ये लैंडबॉक्स जो है ये एक तरीके से देख सकते हो NBFC, एज ए NBFC के कैटेगरी में ये परमिशन ले रखा है RBI से, ये चीज याद रखना। अदरवाइज कैसे दो लोगों को मिलवाओ, क्योंकि यहाँ रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क यहाँ इन्वॉल्व है, क्योंकि एक पार्टी डिफॉल्ट कर सकता है। तो देखिए इस केस में मैंने यहाँ पे रजिस्टर करा हुआ था, मैं आपको बस लॉगिन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने एज ए इन्वेस्टर यहाँ लॉगिन आईडी क्रिएट कर लिया, मैं इसमें जाके लॉगिन करता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने अपना मेल आईडी यहाँ पे डाल दिया,
ध्यान से देखिए, ये मेरा कुछ प्रोफाइल आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आईडी। मैंने ऐसे ही जब क्रिएट करा था तो मैंने बोला था देखो कि मेरा 10,000 का अमाउंट जो है ना मुझे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट स्टेटस कहते हैं अप्रूव्ड, हम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ऐसे मजे ले रहे थे तो मैंने इंटरेस्टेड बोला कि देखो मुझे 36% का इंटरेस्ट चाहिए। ये सारा चीज़ है, प्रोफाइल डिटेल्स वगैरह यहाँ चेक कर सकते हो, पेमेंट डिटेल, माई डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे से मांगा था, पैन नंबर, फोटो, आधार, ये सारा चीज़ है, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, अब आइए वापस। अब देखिए एक चीज़ और भी है, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ बोरोवर को ब्राउज करने, ध्यान से देखो, मैं इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है, तो मुझे बोरोवर चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ किस बोरोवर को मुझे पैसे देना है। मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्राउज बोरोवर, देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। बोरोवर के पास गया, यहाँ देखो कुछ एक पर्सन है रिकमेंडेड, ये अपना टैग लगा रखा है, देखिए 75% कमिटेड, मतलब क्या हुआ, देखो एक कोई पटेल है फ्रॉम बड़ोदरा, वॉन्ट्स टू बोरो 2 लाख, स्टिल नीड्स 50,000। इसका मतलब क्या हो गया, इसको 1,50,000 का फंड ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, कोई पर्सन इसको दे रखा है ऑलरेडी इसके लिए। अब यहाँ पर्पस क्या है, इसको होम इम्प्रूवमेंट के लिए 2 लाख की जरूरत है, एज इसका 31 ईयर्स का है, टेन्योर देखोगे तो 18 मंथ्स के लिए फंड रेज करना चाह रहा है, ये मंथली जो है 51,000 अर्न करता है, ये सैलरीड एम्प्लॉय है, कंपनी का नेम है इसका वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब मान लीजिए इतना इसने डिटेल दिया है, तो ये डिटेल सही है या फर्जी है, ये वेरीफाई करने का काम ये जो हमारा ये बैकएंड जो जो सपोर्ट कर रहा है, जो एनबीएफसी लैंड बॉक्स है, ये काम कर रहा है। अब इसमें देखो, मान लीजिए हम इसमें जाते हैं, इसमें बहुत सारे बोरोवर है, और भी बोरोवर्स वगैरह मिलेंगे, देखो एक और को भी 2 लाख चाहिए जिसको स्टिल नीड 70,000, सबका आप प्रोफाइल पढ़ सकते हो। अब देख लीजिए कौन सी प्रोफाइल पे आपको ज्यादा भरोसा है, उसको आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, वापस आइए। अब यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो क्या क्या चीज़ आता है, ध्यान से देखिए। मुझे इस प्रपोजल को सेंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि लो भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको पैसे देने के लिए, तो फिर बोलोगे कि ये कैसे कमाता है, ये जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये जो आपको एक एक प्लेटफॉर्म जो मेंटेन कर रहा है लैंड बॉक्स, ये कैसे अर्न करेगा। ये ना हर डिपॉजिटर से, अब बोरोवर से लेता नहीं लेता हो तो बोरोवर को पता होगा, मैं तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे लॉग इन किया हूँ, तो मेरे को कहते हैं 500 रुपये दो भाई पहले। आपको प्रोफाइल तो देख सकते हो बोरोवर को, जब मैं बोरोवर को किसी को बोरो डिपॉजिट देने जाऊँगा तो वो कहते हैं मुझे पहले 500 रुपये दे दो, 500 रुपये से मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट शायद 1 लाख रुपीज़ तक के लिए, कि मैं 1 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट करूँ, किसी को बोरिंग दूँ तो उस पर मेरे को 500 रुपये लेगा, शायद ये बोला था एक बार। जैसे देखो कहते मेक पेमेंट, प्लीज दी मेक पेमेंट बिफोर यू प्रोसीड, मैं जो अगर इसको देना है कि कितने रुपए दूं, मैं जो जिस पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया था उसको अगर मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ कि देख भाई मैं तुम्हें ना 5,000 देने को तैयार हूँ, कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करो, मैं कहता हूँ देख भाई तुम्हें ना 18% का रेट देने पड़ेंगे, ठीक है, यानी कि मंथली 1.5% हो गया, टेन्योर चलो 18 महीने का है, तो ये कहता है मंथली ईएमआई मेरे को वहां से 319 रुपीज का मिलेगा, टोटल पेएबल अमाउंट 5,742 बनेगा, यानी कि मैं जो 5,000 दूंगा इसका ईएमआई भी कैलकुलेट करके दिया, और फ्लैट रेट जो बन जाता है आपका 9.90, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि 5,000 पे जो 742 है आपका 9.9 बनेंगे। जब मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगा ना, तो प्रोसीड करने से पहले कहते पहले ना मुझे पे कर दे 500 रुपये, तब मैं प्रोसीड कराऊंगा। एक चीज बताओ, अब ये भी एनबीएफसी इतना खर्चा कर रखा है तो उसको भी तो कुछ तो अर्न करना है ना, तो वो ये कह सकते हैं। अब ये देखो मेरे को कह रहे हैं कि डियर इन्वेस्टर आपको ना 500 रुपीज़ पहले इन्वेस्ट पे करना पड़ेगा, मैं पे करूंगा तब जाके वो मेरा जो इन्वेस्टमेंट वाले क्राइटेरिया है वो वहां से लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे पेमेंट कैसे होगा, अब फिर वो पेमेंट का लॉग इन वो ऑप्शन आ जाएगा ना, तो इस तरीके का जो आपने अभी देखा है वो इस तरीके के जो लेंडिंग है इसको क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग बोलते हैं। तो एक इनोवेटिव वर्क हो गया कि आप मान लीजिए कोई एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे, उसके लिए लोगों को बोलिए कि आप मुझे पैसे दीजिए, इस तरीके को कोई प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप अपना रिक्वेस्ट डालिए, कुछ लोगों को जो इंटरेस्टेड होंगे आपको पैसे देंगे, तो ये पीयर टू पीयर फंड लेंडिंग हो गया। उसके बाद एक आता है क्राउड फंडिंग, ये दो जो ये भी क्राउड फंडिंग जो है ना, ये भी आप लोगों को हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो सीईओ और क्राउड फंडिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सोशल वर्क पे ये बहुत ज़्यादा काम करता है क्राउड फंडिंग आज के डेट पे। हम लोगों ने मैंने भी हम लोगों ने भी प्रैक्टिकली एक बार क्राउड फंडिंग यूज़ किया हुआ है, जिसमें बिट गिविंग वेबसाइट को हम लोगों ने यूज़ किया था जब 3-4 साल पहले,
नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम कुछ हम फंड कलेक्ट करके लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, कुछ लोग ऑनलाइन पैसे देना चाह रहा था, तो जो ऑनलाइन पैसे देते, क्योंकि उस टाइम ये पेटीएम वगैरह ना इतना, ये तो देखो जब से ये नोटबंदी हुआ है तब से जाके पेटीएम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि चलो ऑनलाइन किसी को देना है तो छोटे छोटे अमाउंट हम अपने आप कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आप मान लीजिए किसी को 100 रुपये डोनेट करना है, किसी को 500 रुपये करना है, सारे ऑनलाइन करना चाहता है, तो आप मुझे बताइए उस केस में कैसे करोगे। तो क्या होता है क्राउड फंडिंग में, क्या होता है, एक क्राउड है जिससे मैं फंडिंग ले रहा हूँ। मैं याद रखना मैं अभी सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ जो कि डोनेशन चल रहा है, मुझे वापस नहीं करना है। फिर मैं स्टार्टअप में भी इसको लिंक कर दूंगा। मान लीजिए मैं एक सोशल वर्क के लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूँ, अर्थक्वेक आया हुआ है, लोग परेशान है, घर से बाहर हो गए, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि उनको हेल्प करना चाहिए। अब मैं हेल्प करने के लिए लोगों तक पहुंच रहा हूं और लोगों को कहता हूं आप थोड़े छोटे से अमाउंट कंट्रीब्यूट करिए, डोनेट करिए। तो मैं क्या करता हूं, ये क्राउड फंडिंग जो जो एक प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म जो देने वाले हैं, खास करके बैंकिंग सिस्टम NBFC वगैरह ही होते हैं, तो ये लोग जो हमें प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, उसमें क्या करते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं जहाँ पे अगर मैं लिंक दूंगा किसी को तो कोई भी पार्टी उस पर क्लिक करेगा तो पैसे डोनेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और उसको पेमेंट गेटवे का लिंक आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैसे पे करना चाहते हो पे आ जाएगा, वो सारे इकट्ठा हो जाएगा, एकुमुलेट हो जाएंगे और लोगों को ये दिखता भी रहेगा कि कितने लोगों ने कितने पैसे दे दिया है और हम इस क्राउड फंडिंग का कितना टारगेट रखें। क्योंकि हर एक क्राउड फंडिंग का एक मकसद होता है, किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ फंड कलेक्शन किया जाता है। मान लीजिए हमारा 1 लाख का ऑब्जेक्टिव है तो हम कहते हैं कि देखो 1 लाख का ऑब्जेक्टिव है, जैसे अभी आपने देखा था पीयर टू पीयर लेंडिंग में, उसको 2 लाख फंड रेज करना था, कहता है 50,000 बस अब आप रह गया, 1.5 लाख जो है उसका कमिटेड हो गया, यानी कि लोगों ने दे दिया उसको। वैसे ही क्राउड फंडिंग में भी ऐसे ही होते हैं, 1 लाख रुपीज फंड रेज करना है तो लोगों ने मान लीजिए हमारे को 50,000 दे दिया, तो कहते हैं देखो 50,000 फंड रेज हो चुका है, अब तक 50,000 और फंड रेज करना है, तो इसका एक मकसद जो है लोगों को हेल्प करने का वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। इस तरीके से लोग क्या करते थे, पहले सोशल वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड फंडिंग यूज़ करते थे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सर्च करके आपके लिए रखा हूँ, यहाँ पे ये देखिए इंडिया का जो टॉप 10 जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट है ये कुछ इस तरीके का है। ये देखो मिलाप, जिसमें बोला गया है कि मंथली विजिट जो है 1.21 मिलियंस का है, 1.21 मिलियंस, 12 लाख लोग इस वेबसाइट को विजिट करता है एक एक महीने में। अब बताओ 12 लाख लोग विजिट करता है, हमें पता ही नहीं है, सोचिए। यानी कि केटो, यानी कि एक ये भी वेबसाइट है, देखिए पैक्ट गुरु, वेब वेरी समथिंग, ये सारे देख, ये रहा हम लोगों ने जिस टाइम यूज किया था, ये बिट गिविंग को यूज किया था, बिट गिविंग वेबसाइट को यूज करके एक लिंक दिया करते थे, लोग उस लिंक पे क्लिक करते थे, फंड देते थे, हमारे पास फंड कलेक्शन हो जाता था जिसको हम लोगों ने यूटिलाइज किया था। तो बिट गिविंग को हमने यूज किया प्रैक्टिकली। अब देखिए इस तरीके के ये कुछ वेबसाइट है, सबका आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मान लीजिए मैं थोड़ा देर के लिए मिलाप पे जाता हूँ, मैं इस मिलाप पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्राउड फंडिंग फॉर इंडिया, यानी कि कुछ देखो ये कह रहे हैं कि इस वेबसाइट के थ्रू 570 करोड़ रेज हो चुका है फंड अभी तक, 570 करोड़ फंड रेज हुआ है इस वेबसाइट को यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको भी मान लीजिए किसी को डोनेट करना है, कैसे डोनेट करोगे, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऊपर टॉप पे, देखो डोनेट, मैंने डोनेट पे क्लिक कर दिया, आप डोनेट करना चाह रहे हो, किसको डोनेट करना चाह रहे हो, देखिए आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है जिन लोगों ने इसके थ्रू क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सोशल वर्क का मैं बता देता हूँ, फिर इसको लिंक कर दूंगा स्टार्टअप के साथ। ये देखिए एक कोई कहते हैं आराध्या, कुछ एक बच्ची है जिसको कुछ प्रॉब्लम है, मेडिसिन की जरूरत होंगे, उसके लिए वो क्या कर रहा है, क्राउड फंडिंग यहाँ जनरेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए 549863, यानी कि 5,49,000 लोगों, इतने रुपये ने लोगों ने डोनेट किया इस बच्ची को बचाने के लिए। देखो बड़े लोग तो हर लोग बन जाते हैं, अच्छे इंसान भी बनना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास इतने पैसे हैं जिससे आपका खुद का रहन सहन खाना पीना हो जाता है, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को जरूर हेल्प करना चाहिए जो इसके लिए सक्षम नहीं है। तो उसी के लिए क्राउड फंडिंग टाइप का है, 100-200 रुपये आप कभी भी डोनेट कर सकते हो। हाँ लेकिन एक चीज़ होता है कि जो हम डोनेट कर रहे हो वो सही मायने में यूटिलाइज हो, तो वो देखिए वो तो आप एक क्रेडिट वर्दिनेस पे होता है, जो इस तरीके की वेबसाइट पे जब भी किसी को अगर फंड रेज करने के लिए अगर देता है तो कहीं ना कहीं वो जेन्यून होता है, उन चीज़ों को बैकएंड पे वेरीफाई जरूर करता है। चलिए मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, किसी एक को मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ, ले लेते हैं
जिसका भी मान लीजिए फंड पूरा नहीं हुआ है, ठीक है जी। जैसे देखो इसका जो है ना फंड रेज करने वाले जो है कंप्लीट नहीं हो रखा है, बोलो कैसे पता चलेगा। ये जो है ना रेड मीटर जो है ना देख रहे, कह रहे कि 15 मिलियंस फंड रेज हो रखा है। डॉक्टर उदय मोदी बिल्ड अ होम फॉर एबंडन पार्टनर्स, ओके। अच्छा ये कुछ एक एक कोई डॉक्टर है जो कुछ लोगों के लिए घर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए इसने 15 लाख का जो 15 मिलियंस यानी कि 154 लाख, 1 करोड़ फंड रेज कर चुका है। यानी कि मान लीजिए कोई अच्छे काम के लिए कर रहा है, आपको मान लीजिए डोनेट करना है, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद कह रहा है कि देखो आप कितना डोनेट करना चाह रहे हो। देखो इसका गोल जो है कितने का गोल है, देखिए आप इसका गोल है 20 मिलियंस का, यानी कि 2 करोड़ का गोल है जिसमें से 1.5 करोड़ का गोल इसका अचीव हो चुका है। अब 12 दिन टू गो, यानी कि इसमें हमेशा एक टाइम फिक्स होता है, इतने दिन के अंदर इस फंड को रेज करना है। 12 डेज इसको और मिला हुआ है। इसमें मान लीजिए आप डोनेट करना चाह रहे हो 2,500, तो ठीक है यहाँ पे 2,500 उसने बात दे रखा है, आपको कोई जरूरी नहीं 2,500 ही करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं 500 डोनेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है 500 डोनेट कर दीजिए। जब यहाँ पे जाओगे तो देखो डोनेट के लिए बोल रहा है कि आप पेटीएम से भी डोनेट कर सकते हो, यूपीआई से भी डोनेट कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। मान लीजिए हम क्या करते हैं, डोनेट नाउ पे जाता हूँ। जब यहाँ पे जाओगे तो वो बोलेगा कि आप लॉगिन आईडी क्रिएट करिए, देखिए आप लॉगिन आईडी क्रिएट, नेम, मेल आईडी सब बनाइए, देन उसके बाद आपको लिंक आ जाएगा, फिर उसमें क्या कर दीजिए पेमेंट कर दीजिए। ये एक क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया जो नॉर्मली डोनेशन के लिए लोग यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसको हम लिंक करते हैं स्टार्टअप के लिए। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और उस स्टार्टअप के लिए मैं लोगों से फंड रेज करना चाह रहा हूँ, अब कैसे फंड रेज करूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने स्टार्टअप के लिए एक मैंने वेबसाइट ढूंढा जो कि है, ये 10 क्यों आ गया ऊपर, हाँ जी ये देखोगे तो ये किक स्टार्टर करके है, CKICK स्टार्टर, kickstarter.com। ये वेबसाइट है जो स्टार्टअप के लिए, देखिए कुछ बता रहा है कि किस किस तरीके के स्टार्टअप लोगों ने यहाँ कर रखा है। ये देखिए डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फिल्म, फूड एंड क्राफ्ट, ये अलग अलग सेक्टर में लोग अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। आप पैसे देना चाह रहे हो, आइए इनको पैसे दीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक जो एक कुछ स्नैप मेकर 2.0 एक स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दिया, देखता है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक 3D प्रिंटर बनाने जा रहा है कोई पर्सन, वो के स्टार्टअप, इसके पास एक नया एक इनोवेटिव आइडिया आया किसी के पास, वो कहता है मैं 3D प्रिंटर बनाना चाह रहा हूँ। तो ये देखो 3D प्रिंटर के लिए ये फंड रेज कर रहा है, जिसमें देखिए इसका जो गोल था 1 मिलियन डॉलर का, लेकिन गोल से कई गुना ज़्यादा वो फंड रेज कर चुका है, यानी कि इसका 4 मिलियन का फंड रेज हो चुका है। ध्यान से देखिए 1 मिलियन का गोल था कि 1 मिलियन फंड अगर रेज हो जाता तो ये 3D प्रिंटर शायद बना पाता, जो स्टार्टअप कर रहे जहां का भी पार्टी होगा, इंडिया का तो नहीं होगा, बाहर का ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इनका गोल जो है 17 डेज टू गो, यानी कि जो गोल सेट किया था इतने दिन के अंदर मुझे कितना फंड रेज करना है, इसमें 17 डेज अभी बाकी है, लोग अभी भी डोनेशन सॉरी अभी भी पैसे लगाए जा रहे। अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें कैसे पैसे लगाते होंगे, ध्यान से देखिए। अब इसमें ये तो सबसे पहले ये बता लिया कि किक स्टार्टर इज अ स्नैप मेकर समथिंग है, ये सारी चीज़ आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम काम करेंगे, सारे आपको डिटेल दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपको बता रहे हैं कि प्लेस्ड अमाउंट, प्लेस्ड अमाउंट का मतलब क्या है, देखिए अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि ये प्रिंटर के लिए ये काम स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसको मान लीजिए $1 मिलियन की जरूरत था, $1 मिलियन अगर फंड रेज नहीं हो पाता तो ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक गोल फिक्स करके अब यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, देखो बैक टू दिस प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हो तो पूरे डिटेल आप देख सकते हो, या आप चाहो इसको पैसे अगर सपोर्ट करना चाह रहे हो तो देखो क्या कह रहे, मेक प्लेज विदाउट अ रिवॉर्ड, मतलब मैं कुछ इससे रिवॉर्ड नहीं चाहता लेकिन बस ऐसे ही डोनेट कर देता हूँ। एक तरीके से ये भी एक डोनेशन हो गया, मान लो आप कि रिवॉर्ड नहीं चाहिए, चलो ऐसे ही दे देता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ चल भाई मैं भी ना तुम्हें $1 दे देता हूँ, मान लीजिए $1 मैं कहता हूँ कि चल $1 मैंने प्लेज कर दिया, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। प्लेज वर्ड क्यों यूज करता है अभी समझ आएगा, कहते पहले आप क्रिएट करिए अकाउंट, ईमेल, पासवर्ड दीजिए, फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स वगैरह लेंगे, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं, आइएगा फिर से वापस। मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट का तुम डिटेल दिखाओ, बाद में हम पैसे देंगे। तो देखिए इसने क्या बोला, ये कुछ ना यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि देखो अगर आप $600 से ज्यादा अगर आप डोनेट करते हो, याद रखना स्टार्टअप में पैसे दे रहे हो, आप बोलोगे बिना मैं रिवॉर्ड का क्यों पैसे लगाऊं, अगर आपको चाहिए कि मैं बिना रिवॉर्ड का पैसे नहीं लगाना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा पैसे लगाइए। ये कहते हैं कि USD 599 और मोर लगाइए तो
तो उस केस में क्या होगा, देखो एक आपको प्रिंटर भी आएगा 50% ऑफ में। बेस्ट वैल्यू बोलता है कि 50% ऑफ $1199, MSRP सेव $600। यानी कि आप इस स्टार्टअप में आप अगर ₹600 अभी $600 अगर आप अभी देते हो तो आपको क्या हो जाएगा, एक। अब कह रहे कि रिवॉर्ड नो लॉन्गर अवेलेबल, यानी कि अब ये रिवॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, लोगों ने इतने पैसे दे दिया है इसको कि ये शायद डिमांड मीट नहीं कर पाएगा, तो कहते हैं अब अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो $1 मिलियन का इसका गोल था, जिसमें से ऑलरेडी $4 मिलियन उसका फंड रेज हो चुका है। इसका मतलब ये अब आपके पास अवेलेबल नहीं है, शायद ये भी अवेलेबल नहीं है। कहते कि देखो अगर आप $719 से अगर मोर लगाते तो कुछ एडिशनल कुछ फीचर्स दिया जा रहा है। कहते ये भी अवेलेबल नहीं है, हाँ शायद ये अभी अवेलेबल है, ओनली 48 लिफ्ट। देखो ये वाले फीचर्स आपको अवेलेबल है, यानी कि अगर आप $719 अगर आप पे करना चाह रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट है, ये सारा चीज़ दे रहा है। शिपिंग का डेस्टिनेशन सारे चीज़ आपको बोलेंगे, कितना प्लेस करना चाह रहे हो, अमाउंट, प्लेस अमाउंट क्यों बोलता है ये पढ़िए, यहाँ पे देखिए आपको समझ आ जाएगा। हाउ डू आई प्लेस, कैसे मैं प्लेस कर सकता हूँ, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं व्हेन माई कार्ड चार्ज, जो मैं पैसे दूंगा मेरे पैसे कब जाएगा। ये कहते हैं कि देखो ये पैसे जो आपको जाएंगे ना 6 जून 2019, यानी कि आज से कुछ दिन बाद 7:30 PM पे आपके कार्ड पे बिल आ जाएगा। यानी कि मतलब क्या हुआ, सब लोग अभी डोनेशन कर रहे हैं लेकिन ये डोनेशन किसी के पैसे डिडक्ट नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट को लेके। यानी कि इससे थोड़ा सा अब आपको क्राउड फंडिंग का थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी समझ आएगा। एक स्टार्टअप कर रहे हैं, 3D प्रिंटर बना रहे हैं, लोगों को कह रहे मुझे पैसे दीजिए, लेकिन लोगों को ये भी कह रहे आप बस अपना अमाउंट प्लेस कर लो, मैं आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं करूंगा अभी। यानी कि ये फिक्स हो गया कि इतने अमाउंट, मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड में सारा, क्रेडिट कार्ड में आपने सारे डिटेल फिल कर दिया, ये क्लियर हो गया कि इतने पैसे आपसे डिडक्ट होंगे, लेकिन आज ये बिलिंग नहीं होगा आपका। बिलिंग कब होगा, 6 जून को बिलिंग करेंगे, लेकिन वो भी बिलिंग कब करेंगे, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं कि सो आई एम ओनली चार्ज इफ फंडिंग सक्सेड। यानी कि अगर ये फंडिंग होगा, अगर ये स्टार्टअप किया जाएगा तभी मेरे पैसे डिडक्ट होंगे, अदरवाइज मेरे पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। कहते हैं हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट मेक किक स्टार्टर स्पेशल, जो किक स्टार्टर जो ये वेबसाइट है क्राउड फंडिंग करा के दे रहे, वही इसको स्पेशल बना रहे। इफ अ प्रोजेक्ट इज अन सक्सेसफुल फंडेड नो वन पेज एनीथिंग, अगर ये प्रोजेक्ट में फंडिंग नहीं होता, जैसे इसका गोल था $1 मिलियन का, $1 मिलियन अगर फंड रेज नहीं हो पाता तो जितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, मान लीजिए 1 मिलियन नहीं आके, इसमें क्या होता कि 10 लाख हुआ, सिर्फ 9 लाख फंड रेज हो पाता, तो सबके पैसे रिफंड कर देंगे। इसका रीजन ये है कि मुझे वो प्रिंटर बनाने के लिए जो $1 मिलियन चाहिए उतना फंड आया ही नहीं, तो मैं तो बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपके पैसे मैं क्यों लूँ, सबके पैसे रिफंड हो जाएगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मेरा गोल अचीव हो गया तो सबके पैसे एक ही साथ डिडक्ट होगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है। फिर कहता है क्या मेरा माइंड चेंज हो जाए तो क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि चलो मैं मान लीजिए 719 अमाउंट को भी मैं डोनेट कर मतलब दे देता हूँ, तो उसमें कुछ मुझे उससे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड क्या मिल रहा है कि कुछ प्रिंटर मुझे प्रोवाइड करेंगे इतने कम पैसे पे, लेकिन इसमें तो अवेलेबल ही नहीं है। ये जो अवेलेबल था इसकी बात करें, 719 वाले पे अवेलेबल था, तो 719 वाले पे देख रहे हो, कहते कौन सी कितना अमाउंट प्लेस करना है, कहते कहाँ पे शिपिंग होगी, कहते वर्ल्ड पे कहीं पे भी शिपिंग हो सकता है। लेकिन याद रखना ये प्रिंटर जो आपके पास आएगा जनवरी 2020 में, क्योंकि स्टार्टअप कर रहा है उसको बनाने में टाइम लगेंगे। तो लेकिन एक फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखिए, आपने फंडिंग कराया तो ये जो स्टार्टअप ने फंडिंग लिया ना, उसके बदले आपको प्रोडक्ट ही दे दिया, वही कोई आपको इक्विटी होल्डर नहीं बनाया, उसने आपसे कोई लोन नहीं लिया, पैसे लिया और आपको प्रिंटर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं उसको जो प्रिंटर प्रोवाइड किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव कमाना नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्टअप है, उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि शायद ये 3D प्रिंटर जो है ना वो बन पाए, सक्सेस नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके पास आइडिया होगा तभी तो फंड रेज कर रहा है। उसको क्या हुआ, देखो आपको फायदा क्या हो गया कि सस्ते रेट पे आपको प्रिंटर मिल गए, एक नया इनोवेटिव जो आज तक नहीं था वो मिला, और इसको क्या फायदा हो गया, इसको लग गया कि हाँ मैं ये प्रिंटर बना सकता हूँ, बाद में फिर वो बड़े लेवल पे जब काम करने लगेंगे तो आपसे फिर उसी तरीके से प्राइसिंग चार्ज करना शुरू करेगा। तो ये इस तरीके के जो फंडिंग होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउड फंडिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ आपको समझ आया होगा, नहीं तो थोड़ा सा आप इस वेबसाइट पे और भी पढ़ते रहिए, बहुत सारे रिसर्च करिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग, एक पीयर टू पीयर लेंडिंग, एक क्राउड फंडिंग, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ माइक्रो लोन्स, छोटे 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 लोन्स जो है ना हम लोगों से लेते, इंडिविजुअल से, कहते कि 100 रुपये का लोन दे दो, 200 रुपये का लोन दे दो, 1000 रुपये का लोन दे दो। अभी भी छोटे फंड ही ले रहे हैं हम। ध्यान से देखो, छोटे छोटे फंड लेने का दो तरीका हो गया, एक क्राउड फंडिंग हो गया, एक माइक्रो लोन हो गया। क्राउड फंडिंग में लोन भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो वेबसाइट पे जाते हैं, लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, जैसे हमने अभी देखा वो लोन नहीं था, प्रोडक्ट के लिए ही पैसे ले लिया हमने। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करें वेंडर क्या कहते हैं माइक्रो लोन का, तो इंडिविजुअल्स वगैरह से छोटे छोटे पैसे लेंगे लोन के फॉर्म में, तो वो हमारे लिए माइक्रो लोन हो गया। तो देखो कितने आपने इनोवेटिव वेज पढ़ लिया, एक तो पढ़ा कि सेल्फ करो, सेल्फ क्रेडिट लाइन से करो यानी कि पर्सनल क्रेडिट लाइन से, फिर या तो नहीं होता है तो फैमिली एंड फ्रेंड से कर लीजिए, वो भी नहीं होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग कर लीजिए, क्राउड फंडिंग से फंड रेज कर लीजिए, या माइक्रो लोन ले लीजिए। ठीक है, यानी कि 6 तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते, अब क्या करते, 3 जो है ना वो सामान खरीदने बेचने से लिंक हो गया। अब यहां तक तो हो गया लोगों से लेना, अब हम क्या करते हैं, एक ट्रेड में जो पार्टी यूज होता है, जिस सप्लायर होते हैं, और एक जो हमारा होता है खरीदने वाले बायर होते हैं, सप्लायर और बायर इन दोनों को यूज करके अब हम लोग क्या करते, 3 पॉइंट और याद कर लेते, यानी कि टोटल 9 इनोवेटिव वेज है। कुछ लोग के दिमाग में ये भी आता है कि सर ये 4 मार्क्स में जब क्वेश्चन आता है, अगर जैसे यहाँ पे देखो कि एमटीपी में ये 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या 4 मार्क्स के लिए मुझे 9 पॉइंट देना चाहिए? क्या 4 पॉइंट दे देंगे तो काम चल जाएगा? देखो मैं कहता हूँ ये थ्योरी पे, थ्योरी जब लिखते हो अगर आपको याद हो तो जितना याद है उतना लिख दो, लेकिन एटलीस्ट 4 तो होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि थ्योरी में क्या करते हैं, छोटा थोड़ा मोटा सा तो मार्क्स तो डिडक्ट करता ही करता है, तो क्यों ना हम सेफ होके रहे, एटलीस्ट पॉइंट लिख के रहेंगे ज्यादा, तो उसको भी कट करने से पहले थोड़ा सा 2 बार सोचना पड़ेगा, अरे यार 9 पॉइंट लिखा है कैसे कट कर ले। अब बोलोगे याद नहीं रह पाएगा, देखो याद नहीं रह पाएगा वो बात अलग है, लेकिन याद है तो कम से कम लिख तो ले। ठीक है, तो इसलिए हम इतना टाइम लगा रहे कि थोड़ा सा क्या हो जाए, आपको याद हो जाए एटलीस्ट। जैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्राउड फंडिंग है, ये दो जो है वो याद नहीं रह पाता, लेकिन हमने इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया इसमें कि ये जरूर, बाकी सब याद रहे ना रहे, पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्राउड फंडिंग दो तो याद हो जाएगा आपको, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगा दिया। और होता क्या है, देखो एक आपने साइंस में पढ़ा होगा बचपन में कि जो लोहे जितना देर से गर्म होते हैं उतना देर से ठंडा भी होता है, ये हमारे स्टडी में बहुत ही परफेक्ट फिट बैठता है। अगर जिस चीज़ों को आप ज़्यादा टाइम लगा के किसी चीज़ों को पढ़ते हो, वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। हमने क्राउड फंडिंग पे ज़्यादा टाइम लगाया, ये जरूर याद रहेगा, और 3D प्रिंटर तो जरूर याद हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम दूसरे बात करें पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये भी याद हो जाए क्योंकि इस पर भी हमने वेबसाइट पर जाके किया, तो इसीलिए जिसमें हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना हमें याद हो जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़िए थोड़ा सा प्रॉपर टाइम दे के पढ़िए, अपने आप हो जाएगा। आइए वापस, हमने पढ़ लिया 6 तो पढ़ लिया था, अब 3 को देखते क्या है। देखो एक जो वेंडर हमारे को प्रोडक्ट बेचता है और एक बायर जो हमसे खरीदता है, इन दोनों को लिंक करते हैं। आप याद रखिए, वेंडर मुझे क्रेडिट ज़्यादा दिन का दे दे, मान लीजिए 30 डेज का उधार देने को तैयार था, मैं सामने वाले को कहता हूँ कि 45 डेज का मुझे उधार दे दो, क्या ज़्यादा दिन का फंडिंग हो गया मुझे? मान लीजिए मैं एक सामान खरीदता हूँ, मान लीजिए कोई, मैं यही प्रिंटर की बात करता हूँ, या 3D प्रिंटर हम बनाने जा रहे हैं, 3D प्रिंटर बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, उस वेंडर को मान लीजिए वेंडर मुझे 30 दिन का उधार देने को तैयार था, मैं इस वेंडर को क्या कहता हूँ, एक काम करना 60 डेज का उधार दे दे, देखो मैं नया हूँ, लेकिन वेंडर को भी रिस्क है क्योंकि हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं, अगर ये 3D प्रिंटर हमारा नहीं बन पाया तो मेरा बिजनेस फेल होगा, और फेल होगा तो सबके पैसे क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, तो उसको भी रिस्क है वेंडर को। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वेंडर मुझे थोड़ा ज्यादा दिन का उधार दे दे, तो एक वेंडर का ये क्रेडिट हो जाएगा, तो वही कह रहे कि वेंडर का फाइनेंसिंग, वेंडर के फाइनेंसिंग में बस एक वर्ड लिख देना कि देखो लास्ट के लाइन जो है ना, लॉन्गर पीरियड के लिए मुझे पेमेंट का एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंडिंग द पेमेंट टर्म टू लॉन्गर पीरियड, यानी कि जो 30 डेज का था ना 30 डेज को एक्सटेंड करके कर दो 45 डेज, 60 डेज, पहले 30 दिन का दिया करते थे लोगों को, देते हो मुझे ना 60 दिन का उधार दे दो, 45 दिन का उधार दे दो, इसको कहते हैं वेंडर फंडिंग। ठीक है, वापस आते हैं, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, देखो मैं कहता हूं आप एक स्टार्टअप, स्टार्टअप आप कर रहे हो, आप एक बिजनेस यानी कि मान लीजिए एक प्रिंटर बना रहे हो, चलो मैन्युफैक्चर करने के लिए तो ये यूज नहीं होगा, ये जो हमारा परचेज ऑर्डर फाइनेंस करने की बात है ना, परचेज ऑर्डर ये मुझे लगता है रिटेल में ज्यादा सुइटेबल हो जाएगा, रिटेल बिजनेस में जो होगा ना ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ठीक है जी, देखिए इसको कैसे करते, देखो स्टार्टअप के पास
एक कोई कस्टमर है, इस कस्टमर से ऑर्डर आता है, बड़ा ऑर्डर। अब ये क्या करता है, वेंडर के पास जाते हैं और वेंडर को कहते हैं कि वेंडर से ख़रीदेगा और फिर ये पैसे, सॉरी, इसको सामान जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास परचेज ऑर्डर आया, ये है परचेज ऑर्डर, ठीक है। इस परचेज ऑर्डर को ही फाइनेंस करा देते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो ये वेंडर ना उधार देने को मुझे तैयार नहीं है। एक एक एंटिटी के पास जाते हैं जो परचेज ऑर्डर को फाइनेंस करता है। मतलब क्या हुआ, देखो ये परचेज ऑर्डर है ना, इसको जो सामान है ये वेंडर इसको बेचेगा, ठीक है। अब वेंडर को पैसे चाहिए, ये परचेज ऑर्डर फाइनेंस वाले कंपनी क्या है, ये वेंडर को पैसे दे देंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सही मायने में तो पेमेंट किसको करना चाहिए था, स्टार्टअप को। तो यही तो फंडिंग करा रहे, स्टार्टअप को पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे ले रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोगों से पैसे मांगे, हम एक थर्ड पार्टी के पास गए, कहते कि मुझे पैसे दीजिए, लेकिन मुझे जो पैसे चाहिए ना वो परचेज ऑर्डर को फाइनेंस करना है। मतलब क्या हुआ, जो इंसान ने ऑर्डर मुझे प्लेस किया था ना उसको फाइनेंस करना है। तो अब देखो ये पर्सन जो है, ये भी इसको लगता है जो परचेज ऑर्डर फाइनेंस करता है, ये कोई एंटिटी है, वो जो पैसे देते वो कहते हैं अरे ठीक तो है, एक क्रेडिट कस्टमर, जो कस्टमर खरीद रहा है इस प्रोडक्ट को, जो कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कैश देगा तो कस्टमर हमारा, नहीं, उसको मैं उधार बेचना चाह रहा हूँ, उसको उधार देना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये कस्टमर से अभी पैसे नहीं आया है, इसको मैं क्रेडिट पे सामान बेचूंगा, लेकिन ये वेंडर मुझे उधार नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें। अब वेंडर को कहते हैं ठीक है तू उसको सामान दे दो, अब मुझे बताइए, कस्टमर अल्टीमेटली मुझे पैसा तो देगा ही देगा। तो ये जो फाइनेंस करने वाले जो एंटिटी है वो इसका हैसियत देख लेता है, उसको लगता है कि ये स्ट्रांग पार्टी, ये तो पैसे दे ही देगा, ये पैसे नहीं डुबाएगा। तो ये जो फाइनेंस कंपनी है ना वो पैसे दे देते हैं वेंडर को, कहते चलो सामान भेज दो इसको, सामान चला जाता है। मान लीजिए 30 दिन के बाद पैसे आता है, 30 डेज के बाद, तो ठीक है 30 डेज के बाद पैसे जो है इसका रिकवरी हो जाएगा, इसमें कुछ अपना कमीशन यानी कि कुछ इंटरेस्ट अपना चार्ज कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर का फाइनेंसिंग, ठीक है। अब आइए वापस, फैक्टरिंग तो आपने बचपन से ही सुनते आ रहे हो, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर, जिस डेटर से हमारे पास पैसे आना, ये तो आपने पहले से भी पढ़े होंगे। ये देखिए, ये जो है जो सप्लायर, जो पैसे, मतलब स्टार्टअप जो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो मान लीजिए सामान बेचता है, किसको बेचता है, कस्टमर है, यानी कि जिसको आप लोग पहले से डेटर बोला करते थे उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। इनको मैंने 30 दिन उधार पे, 30 डेज के उधार पे प्रोडक्ट को मैंने बेच दिया है, प्रोडक्ट मैंने उसको दे दिया, मेरे पास पैसे कब आएगा बताइए, 30 डेज के बाद। अब मैं क्या कहता हूँ, देखो मैंने एक फैक्टर फॉर्म के पास जाता हूँ, ये फैक्टर एक फॉर्म है, एंटिटी है, जिसका काम क्या है, देखो ये फंडिंग मुझे आज कर देगा, मुझे पैसे आज दे देंगे, और जब 30 डेज के बाद पैसे आएगा तो इससे पैसे कलेक्शन कर लेगा। तो फैक्टर एक ऐसा एंटिटी है जो डेटर से, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल से या अकाउंट रिसीवेबल से फंड कलेक्शन करता है ड्यू डेट पे, लेकिन मुझे वो फंडिंग पहले कर देता है। मान लीजिए इसमें 1 लाख रुपए का फंड रिसीव होगा, तो मुझे बताइए मुझे कितना फंडिंग करेगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 90% ही फंड करता है, 10% रिजर्व रख लेता है जिसको बाद में पे करेगा, इस तरीके से कुछ फैक्टरिंग पढ़ा होगा। तो चलो उस फैक्टरिंग का मुदर ना जाए, मान लीजिए हमें इसने फंडिंग, अब फंडिंग तो 1 लाख से ज़्यादा तो करेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ बैड डेट्स भी होता है, फिर रिकोर्स नॉन रिकोर्स की भी बात होती है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। चलो फिर से वापस आते हैं, तो ये कुछ मुझे आज दे दिया आज के डेट पे, तो मुझे बताइए फैक्टर ने क्या किया, जो डेटर से आने वाले पैसे थे उसके बदौलत आज ही मुझे फंडिंग करा दिया। तो इसको कहते हैं फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को फैक्टरिंग करा दिया, जैसे बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंटिंग कराते थे आप लोग, याद आ रहे कुछ, कि मुझे बिल्स, मेरे पास है बिल रिसीवेबल, 3 महीने बाद पैसे आने वाले, बैंक के पास जाता था, बिल दे देते थे और जा रही डिस्काउंट करके ले आते थे। अगर बिल पे लिखा हुआ है 1 लाख, तो मुझे बैंक जो है 95,000 दे दिया करते थे, 5,000 बैंक का कमीशन हो जाता था, इंटरेस्ट हो जाता था। उसी तरीके से फैक्टर क्या करता है, अकाउंट रिसीवेबल को फंडिंग कर देता है, तो हम उसको कहते हैं फैक्टरिंग कराना, पैसे आज ही रेज कर लेना, अकाउंट रिसीवेबल से बाद में आते रहेंगे जो फैक्टर कलेक्शन करेंगे।
तो फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल, तो देखो कितना आसान हो गया याद करना। एक बार वेंडर से क्रेडिट लिया, एक बार जो परचेज का ऑर्डर था उसको फाइनेंस करा दिए, या एक बार एक काम करते जो पैसे आने वाले हैं ना उस आने वाले पैसे के बदौलत आज फंड रेज कर लिए। अब कुछ लोग जो होगा ना परचेज ऑर्डर फाइनेंस से इससे लिंक करने लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये देखो परचेज ऑर्डर फाइनेंस में क्या होता था, वेंडर को आप पैसे दिया करते थे आज की चलो उसको पैसे दे दो, लेकिन फैक्टरिंग में क्या हो रहा है देखो, फैक्टरिंग में आपने कस्टमर को बेच दिया है, ऑर्डर आपका फुलफिल हो चुका है, जो रिसीवेबल है ना उस रिसीवेबल के अगेंस्ट आज फंड ले लेते फैक्टर फॉर्म से, इसीलिए उसको फैक्टरिंग कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल को फैक्टरिंग कराना, आज डिस्काउंट करा लेना, जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है उस तरीके से। चलिए तो ये तो था इनोवेटिव वेज जिससे फंडिंग किया जाता है स्टार्टअप को। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पिच प्रेजेंटेशन। पिच प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनिए, कोई भी स्टार्टअप है, कोई एक बिजनेस करना चाह रहा है, नए आइडिया के साथ मार्केट में आना चाह रहा है, क्या आप मुझे बताइए उसको एक प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे ना इन्वेस्टर को, जो पैसे लगाने वाले बंदे हैं उनको एक सारे के सारे डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी सामने वाले पैसे जो लोग हैं वो पैसे देगा उसको। तो इसको हम लोग कहते हैं पिच प्रेजेंटेशन, बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो इन्वेस्टर के सामने रखते हैं ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि हमारा स्टार्टअप जो है वो बढ़िया करने वाला है, वो फेल नहीं होने वाला है। इस चीज़ों को भरोसा दिलाने के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलो ना। आप मुझे बताओ किसी से कोई पैसे लेने जाते हो तो आप अपने आइडिया सामने रखते हो ना, उसी चीज़ों को सामने रखना पिच प्रेजेंटेशन है। इसमें किस बात को लिखना पड़ेगा आपको कि हम उस प्रेजेंटेशन के अंदर किस किस पॉइंट को डील करेंगे, इस पॉइंट का जिक्र कर दीजिए, काम खत्म हो गया। तो अब आप खुद सोचो कि कभी भी हम किसी के पास प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे तो किस किस पॉइंट को लिखना जरूरी है, ठीक है? तो उस पॉइंट को हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, याद करने चल रहे हैं। कहते देखो, एक तो सबसे पहले आप अपने स्टार्टअप का एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप किस तरीके से काम करने का सोच रहे हो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और एक वो भी कि आप कौन हो, हु आर यू, याद रखना जब भी किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो तो एक चीज देखिएगा। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहता है मैं ना एक प्रिंटर बनाने का सोच रहा हूँ, सामने वाले इंसान समझ जाएगा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रिंटर बनाने का ख्याल तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? या तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं एक, जैसे मान लीजिए कोई एक इंजीनियर है, वो पहले एक अपना इंट्रोडक्शन देता है कि देखो मैं इस यहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड ये है, ये सारे अपना जो है ना वो सबसे पहले अपना एक बैकग्राउंड बताता है इन्वेस्टर को। बैकग्राउंड बताते ही पता चल जाता है कि इस बंदे में कितना दम है, राइट टैलेंट है या नहीं है। इसीलिए इंट्रोडक्शन में आप अपना एक सेल्फ एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि फर्स्ट स्टेप टू गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ योर सेल्फ, आपका अपना पहले डिटेल देना है तभी सामने वाले को आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट आएगा। फिर कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, हु केयर, बट केयर शुड बी टेकन टू मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन एक चीज याद रखना, आप ऐसा नहीं कि मैंने इस गांव में जन्म लिया था, हमारे फादर ऐसे करते थे, ये करते थे, को बहुत बड़ा सा पूरा कहानी मत बनाने लग जाओ। हमेशा एक चीज याद रखेंगे, आपको बस एक शॉर्ट जो काम की चीज है, जो चीज के लिए आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो वो चीज वहां से आना चाहिए। ये नहीं कि बचपन में हम इतने बदमाश हुआ करते थे, हम ऐसे करते थे, लोग जहां पर जाते थे हम फ्रेंड बना लेते थे, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको ये बताना है कि जो आपका स्टार्टअप का आइडिया है उसके रिलेशन में आपका बैकग्राउंड क्या है, वो चीज आपको इंट्रोडक्शन में लिख के देना है। तो सबसे पहला आप कौन हो इंट्रोड्यूस करिए, आपके साथ और कौन है उसको भी इंट्रोड्यूस करिए। सिर्फ अपने इंट्रोड्यूस करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है अकेला कोई भी बंदा स्टार्टअप नहीं कर सकता है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे प्रिंटर बनाने की, मैं सीए हूं तो भी प्रिंटर बना सकता हूं मैं, बोलोगे कैसे? लेकिन उस केस में मेरा जो टीम होगा ना वो इंजीनियर का होगा, उसके पास एक आइडिया होगा। तो इसीलिए एक तो अपना डिटेल दो ताकि लोगों को भरोसा हो कि जो सामने वाले ये काम कर, जो आया है मेरे पास, वो कम से कम इसके लायक है या नहीं है।
फिर उसके बाद टीम का भी डिटेल बताइए कि टीम क्या करता है, उसके पास क्या टैलेंट है, वो किस फील्ड को डील करता है, और हमारे जो बिजनेस है, जो आइडिया है, उसमें कैसे लिंक करता है। जब दो चीजों को डील करते हो तो उसके बाद ये भी बताइए कि हमने मार्केट में इन चीजों के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम देखा है और फिर उसका हमने क्या क्या सॉल्यूशंस लेके आया है। इन दो बातों पे भी डिस्कशन करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका जो स्टडी मैटर है, ये ऑर्कुट और फेसबुक को डील किया है यहाँ पे। ऑर्कुट हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, कि फेसबुक से पहले ऑर्कुट चला करते थे, याद रखना। जो आज सोशल मीडिया पे आप लोग फेसबुक को जितना ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे अभी इंस्टाग्राम भी अब आप लोगों ने नए नए में यूज़ करने लग गए, तो सबका अलग अलग फीचर्स है। तो उसी तरीके के फेसबुक आने से पहले ऑर्कुट जो था ना, वो कुछ ज़्यादा ही फेमस था अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए फेसबुक वाले को क्या देखना चाहिए कि ऑर्कुट में क्या लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मैं उसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि नो प्राइवेसी था ऑर्कुट में। ऑर्कुट में प्राइवेसी की इशू थी कि आप अगर कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, फोटो डाल रहे हो, कोई भी चीज़ है, उसमें प्राइवेसी बहुत कम था। तो फेसबुक ने क्या किया, उस प्राइवेसी को लेके आया। लेके कैसे आया, प्राइवेसी मेंटेन किया कि जो इंसान एक दूसरे का फ्रेंड एक्सेप्ट करेगा वही फ्रेंड जो है लोगों को देख सकता है। ऑर्कुट में क्या था कि आप कोई भी किसी का प्रोफाइल ऐसे ही देख सकते हो, चाहे एक्सेप्ट करो चाहे आप एक्सेप्ट ना करो। तो उन चीजों को ध्यान रख के उस प्रॉब्लम का एक सॉर्ट आउट निकाल के ये अपना मार्केट में आया। तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। वैसे तो उसी प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन होता है, लेकिन इस सॉल्यूशन वाले में एक और एग्जाम्पल देखा। जैसे देखोगे तो इसने फ्लिपकार्ट की एग्जाम्पल दिया है कि फ्लिपकार्ट स्टार्टिंग में जब आया था तो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता था, ठीक है जी। तो स्टार्टेड अ बिजनेस इन 2007, इट ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, बट व्हेन दे स्टार्टेड पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड वाज रेयर। उसने क्या देखा कि उसने ये हो गया कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया करते थे या डेबिट कार्ड से, यानी कि पहले पेमेंट ले लेते थे, देन उसके बाद लोगों को डिलीवरी करता था। लोगों को इसने क्या देखा कि अरे पेमेंट में बहुत रेयर चांसेस जो लोग करता है, उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि लोगों को शायद प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कि शायद भरोसा नहीं है, मैं प्रोडक्ट बेचूंगा भेजूंगा नहीं भेजूंगा। तो उसने क्या किया कि कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेके आ गया कि चलो ठीक है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे लोगों का इनकम अच्छा खासा है, वो रूरल एरिया से नहीं, वो बिल्कुल देहात गाँव से नहीं, वहाँ पे इस लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी का फैसिलिटी नहीं दिया, क्योंकि रिस्क तो उनको भी है ना, सामान जाएगा वो कहते अरे पे नहीं करते, आपका सामान खराब हो गया, इन सब आपका कम सामान ही ठीक नहीं है, बार बार वापस आएगा। तो इन्होंने एक चीज देखा कि किस एरिया में कितने लोगों का इनकम है, उस इनकम के बेसिस पे क्या करा, उन्होंने अपना कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम फैसिलिटी स्टार्ट किया। पहले बड़े बड़े शहरों में इन्होंने क्या करा, लो पहले प्रोडक्ट देखो यूज करो और तब मुझे क्या, यूज करने के बाद पैसे मत दो। उसने ये बोला कि 7 डेज का रिप्लेसमेंट भी अलाउ कर दिया, चलो यूज कर लो, अगर सामान ठीक नहीं लगता है तो वापस भी कर दो। तो लोगों का पहले ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए इसने कैश ऑन डिलीवरी और वो 7 डेज का टाइम देना शुरू कर लिया। तो यही यहाँ पे बोला है कि कैश ऑन डिलीवरी को क्या किया उसने, इंट्रोड्यूस किया, ये एक सॉल्यूशन निकाला उस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो सही मायने में तो यहाँ प्रॉब्लम बताते, यहाँ सॉल्यूशन बताते ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम में भी वो उस एग्जाम्पल को फ्लिपकार्ट वाले एग्जाम्पल लिख दो, और सॉल्यूशन वाले में यही, सॉरी, अब प्रॉब्लम वाले में फेसबुक और ऑर्कुट को यूज कर देना, और सॉल्यूशन वाले में फ्लिपकार्ट। याद रखना, थियरी में जितना ज्यादा स्टडी मार्ट का एग्जाम्पल लिखोगे ना, मार्क्स उतना अच्छा आएगा। तो ज्यादा अच्छा इसीलिए देखोगे, तो मैंने कोई भी, आप देखो मैंने जो आपको ये बुक दिया है, अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ लोग बच्चे ये भी कहते हैं सर आपने तो अपना इनपुट दिया ही नहीं है। मैं अपना इनपुट देने से मार्क्स नहीं मिलने वाला है, मार्क्स तो उसी से मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया है। और ये थियरी पेपर में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़्यादा हाथ पैर ना चलाओ, जो इंस्टीट्यूट कहता है उसका पॉइंट लिख के आइए, परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। हाँ एक काम किया हमने, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए, विजिबिलिटी बढ़ाने वाले काम किया हम अपने बुक्स के अंदर। जैसे देखो फटाफट दिख गया, इंट्रोडक्शन दिख रहा है, टीम दिख रहा है, वही सेम चीज़ देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने अपना थोड़ा सा उस तरीके से विजिबिलिटी के साथ नहीं बनाया। तो बस यही चीज़ है, हमने सिर्फ बेटर प्रेजेंटेशन दे दिया है आईसीआई का ही स्टडी मार्ट का। अब ये मत उम्मीद करो कि सब सब अब मैं अपना एग्जाम्पल लिख दूँ, उससे मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको। एक प्रॉब्लम आ गई, एक सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो 4 पॉइंट तो हो गए, अपना खुद का डिटेल बताओ, टीम का डिटेल बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन लेके आते हो जो लोगों का। अब यहाँ क्या कहते हैं, आप अपना मार्केटिंग कैसे करोगे। किसी भी स्टार्टअप के लिए
जो आप ये भी भूल गए क्या कि हम पढ़ क्या रहे, हम ये बता रहे कि जो प्रेजेंटेशन है इन्वेस्टर के सामने उसमें किस किस बात का डिस्कशन रहना चाहिए। एक तो अपना डिटेल होना चाहिए, एक टीम का डिटेल होना चाहिए, हमने क्या प्रॉब्लम देखा है इस तरीके के जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है उसके, और हम उसके क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ये सारा चीज आ गया हमारा। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत बड़ा खर्चा इन्वॉल्व होगा मार्केटिंग का, क्योंकि जब तक लोग मुझे जानेगा नहीं मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। मैं अच्छा हूँ लेकिन ये अच्छा हूँ ये लोगों तक जब तक पता नहीं चलेगा तो आपकी अच्छाई सामने आया कैसे, बताओ। मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, नो डाउट बढ़िया मैं पढ़ाता हूँ, मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है, और ये तो आप लोग के कमेंट देख के पता चल जाता है कि जो गूगल पे रिव्यूज लिख देते हो, यूट्यूब पे इतने सारे लिख रखा है, इससे पता चल जाता है कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद तो आता है। लेकिन अभी भी देखोगे तो मुझे जानने वाले लोग बहुत ही कम है। अब मुझे इतना, मुझे ये चीज पता है कि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आपके तक पहुंचने पड़ेंगे, और आपके तक पहुंचने के लिए मुझे मार्केटिंग करने पड़ेंगे, जो कि मार्केटिंग पे मैं हमेशा पीछा रह गया। कोई बात नहीं, कह सकते हैं क्यों रहा नहीं रहा उसको हमने कभी एनालाइज नहीं किया, या तो टाइम नहीं मिला, हो सकता है अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के चक्कर में कभी मार्केटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं गया, या हो सकता है मार्केटिंग के लिए इतना ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट के स्टार्टिंग में ज़रूरत है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट मेरा था नहीं इसीलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वापस आते हैं, तो इसीलिए स्टार्टअप जब भी किया जाए तो उसमें एक मार्केटिंग बातें वाले पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कैसे मार्केटिंग करेंगे। अब मार्केटिंग में किस किस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो इसको पढ़िए, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। ये कहते हैं हाउ द प्रोमोटर इज प्लानिंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर, क्या प्लान कर रहे हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे देखते हो आज के डेट पे एडवर्टीजमेंट तो एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेस कराने के लिए या ना कराने के लिए। बहुत बार देखते हो बुरे बुरे चीज को भी अच्छे अच्छे बता के हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते। जैसे देखते हो बाबा रामदेव को, नो मिलावट, एकदम क्या कहते हैं हर्बल है ये, यानी कि हर चीज को हर्बल बोलते हैं, नो मिक्स, कोई हमारा मिक्सर नहीं है, ये ब्रांड नेम खुद ही क्रिएट करते, लोगों को भरोसा जीतता है, और करता क्या है खुद प्रोड्यूस कर नहीं पाता है, छोटे छोटे कंपनी से बनाए हुए सामान खरीदता है, अपना टैग लगाता है मार्केटेड बाय पतंजलि और बेचते रहते। क्या ये बता सकते हो मुझे, आपने भरोसे पे खरीद लिया, कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग की वजह से चल रहा है, अदरवाइज जाके चेक कर लीजिए प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में मिल रहे और उसमें मिल रहे कोई बहुत ज्यादा का गैप नजर नहीं आएगा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद मैन्युफैक्चर किया नहीं, थर्ड पार्टी किसी छोटे छोटे कंपनियों से मैन्युफैक्चर करा के आप अपना टैग लाइन लगा रहे हो, तो बताओ वो तो वैसे भी अपना मैन्युफैक्चर करके बेच लेता तो प्रोडक्ट तो वही है। आप बोलोगे हमने क्वालिटी कंट्रोल किया होगा, उतना क्वालिटी कंट्रोल आप करते तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जिसमें जो बाद में डिस्प्यूट वगैरह आया वो उतना आता ही नहीं। चलो हम इस पर बहस ना करें, ऐसा नहीं है कि मैं बाबा रामदेव के खिलाफ हूँ, बाबा रामदेव का मैं हमेशा फेवर कहता हूँ, उसने जो योगा दे के जाए गया है बहुत सारे का जिंदगी दे के गया है, एक मेरे को भी दे के गया है, इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं बाबा रामदेव को, क्योंकि आज के डेट पे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक किसी के रिगार्डिंग दो वर्ड बुरा बोल दो तो लगता है कि ये तो एंटी बाबा जी है, अगर कुछ दो वर्ड किसी के लिए परफेक्ट बोल दो ये तो एंटी इंडियन है, इस तरीके से बोलने लग जाते। याद रखिए कोई सच्चाई बोलना बुरा ही नहीं है, मैंने क्या बोला जिस चीज में जिसका अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, जहां पे बुरा है बुरा बोलना चाहिए। मैं बोला कि बाबा रामदेव का योगा, मैं फॉलोअर हूँ बाबा रामदेव का, लेकिन प्रोडक्ट के लिए मैं फॉलोअर नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसका हकीकत मालूम है। तो वापस आते, किसी पॉइंट पे मैं अच्छा बोलता हूँ किसी पॉइंट पे बुरा बोलता हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ किसी का। वापस आते, अब मैं यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्शन की बात करते, एक प्रोजेक्शन भी बना के देने पड़ेंगे, क्या प्रोजेक्ट करते हो, किस तरीके से आप सोचते हो, फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, यानी कि सिर्फ मार्केटिंग करने से नहीं, मैं मार्केटिंग तो करूंगा लेकिन मार्केटिंग करने के साथ साथ याद रखना सिर्फ मार्केटिंग से कभी नहीं चलता है। मान लीजिए मैं बहुत बुरा पढ़ा हूं और मैं जितना मर्जी मार्केटिंग कर लूं, एक दिन सच्चाई सबके सामने आएंगे और वही जो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो बोलने लग जाएंगे अरे ये फालतू की बात है। जैसे आजकल देखते हो कोई SFM में ऐसा कुछ एक दो जगह पॉइंट पे हो भी रहा है, सिर्फ मार्केटिंग से ज्यादा दिन नहीं चल सकते और वो पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास क्वालिटी है तो क्वालिटी भी दिखाना पड़ेगा तब मार्केटिंग। तो वही कह रहे हैं कि आप एक प्रोजेक्शन कीजिए, क्या
रहे कि प्रोजेक्शन जो होगा फॉर ए स्टार्टअप कंसर्न इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डजेंट हैव द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हिस्ट्री द एजुकेटेड गेस कैन बी मेड, ठीक है, यानी कि वही कह रहा है कि गेस करिए कि फ्यूचर में आपका कैसे क्या काम करने वाले हो, ब्रीफ आइडिया अबाउट वेयर इज बिजनेस हेडिंग, इट टेल्स दैट द वेयर द बिजनेस विल बी मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंक्लूड दी बेसिक डॉक्यूमेंट दैट मेकअप अ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो जो है ना ये फॉरकास्ट करके दीजिए प्रोजेक्शन में, इस तरीके से याद रख सकते हो प्रोजेक्शन किस चीज का करके दे रहे हो आप अपने प्रोजेक्शन में, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंक्लूड्स, ये पॉइंट जो है ना वो लिख दीजिएगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंक्लूड्स थ्री बेसिक डॉक्यूमेंट दैट मेकअप अ बिजनेसमैन फाइनेंशियली, बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तीन चीज लिख दीजिए, बस छोटे छोटे पॉइंट लिखना है। एक प्रोजेक्शन करके देंगे कि हम अपने बैलेंस शीट बना के देंगे आने वाले दिन का कि मैं ऐसे सोचता हूँ, हम अपना एक इनकम स्टेटमेंट बना के देंगे और हम अपना कैश फ्लोज बना के देंगे, प्रोजेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केटिंग करेंगे प्रोजेक्शन भी करके देंगे कि ये रहा मेरा, फिर उसके बाद कंपटीशन की बात करेंगे कि जो हमारे जैसे दूसरा है उसको मैं कैसे कम्पीट करूंगा, उसको भी डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज अगर कोई ऑनलाइन टैक्सी में आता है जैसे ओला उबर है, तो उस तरीके से आएगा तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर होगा ना उसको बोलना पड़ेगा कि मैं क्या डिफरेंट करने जा रहा हूँ जो इस डिफरेंट फीचर से मैं उसको कम्पीट कर पाऊंगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है मार्केट में जैसे ओला उबर की मैंने बात किया, वो इतना अब हो चुका है, उसका बेस इतना बन चुका है कि लोग उनको जानने लग चुके हैं। अब आप उनको अगर कम्पीट करने की सोच रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगा, तो आप जो इन्वेस्टर है उनको ये रिस्क, बात का रिस्क भी लगेगा कि मैं इतना पैसे दे रहा हूँ तो ये सक्सेस हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, इसीलिए किस तरीके से कंपटीशन आप उसको फेस करोगे, इन सब बातों को भी आपको इस प्रेजेंटेशन में बताने पड़ेंगे इन्वेस्टर को। आपका बिजनेस का मॉडल क्या है, ठीक है जी, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग, ठीक है, बिजनेस मॉडल, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है कि टारगेट कस्टमर क्या है, बिजनेस मॉडल में किस किस कस्टमर को मैं टारगेट करता हूँ, क्या ऑफर है, क्या हमारा स्ट्रेटजीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, बिजनेस मॉडल भी बताना है आपको कि मैं किस कस्टमर को टारगेट करता हूँ, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, सारा चीज़ आपको बताने पड़ेंगे, एक बिजनेस का मॉडल बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में एक फाइनेंसिंग वर्ड आ गया, इसको तो सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं, बोलोगे क्या है ये जो जिसको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं ना, उस प्रेजेंटेशन के जो इन्वेस्टर है जो सामने, उसको अगर ये पता चल जाता है कि मुझे कुछ लोग तो फंड ऑलरेडी करने के लिए कमिटमेंट कर चुका है, तो इस इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ जाता है, तो इस बातों को भी आपको यहां जिक्र करना चाहिए, उसमें ये बताइए सामने वाले को कि देखो मैं इतने पैसे लगा रहा हूं, मेरे टीम वाले जो है वो इतने पैसे लगा रहे हैं, और कुछ दो चार और भी जो बड़े पर्सन है वो भी मुझे इतना फंड दे रहा है, और हम लोग इस प्रोपोर्शन में फंड लगाएंगे, या आप जो पैसे दे रहे हो वो एज ए इक्विटी ट्रीट करूंगा, एज ए प्रेफरेंस ट्रीट करूंगा, किस तरीके से करूंगा, अगर मैं मालिकाना हक ले रहा हूं तो मैं किस प्रोपोर्शन में पैसे रखूंगा, इन सारे चीजों को आपको डिस्कशन करके देना है फाइनेंसिंग में। यानी कि देखिए यहाँ कह रहे इन्वेस्टमेंट द बिजनेस एंड व्हाट दे डू अबाउट द मनी हैज बीन एक्सप्लेनेशन मेड रिगार्डिंग हाउ मच वर्क हैज बीन अकम्पलिश्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिमम फंडिंग दैट द कंपनी मैनेज टू रेज। ये रहा, इट इज प्रिफरेबल टू टॉक हाउ मच मनी हैज ऑलरेडी बीन रेज्ड, हु इन्वेस्टेड मनी इन टू द बिजनेस, कितने फंड ऑलरेडी रेज कर चुके हैं और किस किस ने पैसे लगा चुका है, जिसमें हम भी होंगे, हमारे टीम भी होगा, हमारे कोई दूसरे भी लोग होंगे, हम लोगों ने इतना ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब इतना बाकी है जो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं, ये फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या था, पिच प्रेजेंटेशन में किस किस बातों को डील किया जाए, इस बातों को, अब इसमें भी 9 पॉइंट था, ठीक है, तो याद रखोगे। अब मुझे नहीं लगता है याद करना कोई बहुत बड़ा है, कुछ लोग न्यूमेनिक्स बना के याद रखते हैं एक एक वर्ड, अरे वो चीज भूल जाते हैं, उससे ज्यादा अच्छा रहता है सीक्वेंस में अगर आप 3-4 बार याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, भाई मैं कौन हूं, मेरा टीम कौन है, क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे किया कर रहे हैं लोग जिसको मैं इस तरीके के सॉल्यूशन दूंगा, मैं इस तरीके से मार्केटिंग करूंगा, मैं इस तरीके का प्रोजेक्शन दे रहा हूं बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लोज का, मेरा ये बिजनेस का मॉडल है, ये लोग मेरा फाइनेंस कर रहे हैं, बताओ 8 तो पॉइंट आ गए, एक कौन छूट गया मेरा, ठीक है जी, प्रोजेक्शन करें, हाँ
कंपटीशन वाले पॉइंट मेरा छूट गया था, तो देखो एक बार में मेरा छूट गया, अगले बार में वो भी याद आ जाएगा। तो बताओ 9 का 9 पॉइंट आ गए। देखो कैसे, मैं कौन हूँ, मेरा टीम कौन है, इंट्रोडक्शन यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन देना है, टीम का इंट्रोडक्शन देना है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे लोग हमारे जैसे जो ऐसा लोग है, और उसके लिए मैं क्या सोल्यूशन लेके आया, मुझे मार्केटिंग कैसे करना है, किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ मार्केटिंग के लिए, क्या मेरा प्रोजेक्शन है आने वाले दिन का, क्या मेरा बिजनेस मॉडल है, क्या मेरा कंपटीशन है, और क्या फाइनेंसिंग हो रखा है, कितने पैसे दे रखे हैं, कितने फंड रेज करना है। देखो हो गया याद, जब मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप, मोड ऑफ फाइनेंसिंग। अब कुछ लोग सोच रहा होगा, अभी अभी तो हमने पढ़ा था इनोवेटिव वे ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप, अभी भी तो स्टार्टअप को फाइनेंस ही कर रहे थे, खुद लाएंगे, खुद के क्रेडिट लाइन से लाएंगे, दोस्त और फैमिली से लेंगे, पीयर टू पीयर लेंडिंग करेंगे, क्राउड फंडिंग से लाएंगे, माइक्रो लोन लेंगे, वेंडर का फाइनेंसिंग करेंगे, परचेज ऑर्डर को फाइनेंस करेंगे, फैक्टर अकाउंट रिसिवेबल को करेंगे। ये जो आपने पढ़ा था ये इनोवेटिव वेज था फंड रेज करने का, तो फिर ये क्या बोल रहा है, मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप, स्टार्टअप को फाइनेंस करने का क्या मोड हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, जो अभी पढ़ा था वो भी तो एक मोड ही था कि इस मोड से फंड लेके आएंगे। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो, इनोवेटिव वेज बोले या सोर्स ऑफ फंड बोले तो उस सारे सोर्स बता देना, यहाँ जब मोड बोले ना तो इस मोड को याद रखिएगा कि हमारे पास 3 मोड है फंड रेज करने का। ठीक है, कौन सी 3 मोड है, देखो इस चीजों को ना मैंने स्टार्टिंग में आपको समराइज करके भी दे रखा है, आप यहाँ से भी समराइज कर सकते हो। जैसे हमने बोला था इनोवेटिव वेज, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल क्रेडिट लाइन, फैमिली एंड फ्रेंड, पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग, माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर लोन, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल। ये था हमारा इनोवेटिव वेज, जहां से फंड रेज करना है। अब बात कर रहे मोड क्या है इस फाइनेंस का, 3 मोड से हम लोग फंड रेज करते हैं। बोलोगे कौन कौन से 3 मोड है, बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड। 3 मोड से हम लोग फंड रेज करते हैं, यानी कि ये जो हम बात करें यही सारा चीज जो अलग अलग सोर्स था ना, इसी का 3 अलग मोड बना दिया हमने, अलग अलग लोगों को बता दिए। जैसे अब यहीं पे बात कर रहे थे कि हम लोग कहाँ से फंडिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को उसमें भी आपको डील करना पड़ेगा, इसी पॉइंट को उस मोड में भी डील करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, वेंडर का फाइनेंस करना, वेंडर का फाइनेंस हमने क्या बोला, सप्लायर को बोलेंगे ज़्यादा दिन का उधार दे दो। देखोगे तो बूट स्ट्रैपिंग में भी ये ट्रेड क्रेडिट की बात होंगे, वो वही सेम चीज़ है। अब ध्यान से देखिए, इस फैक्टरिंग की बात हम यहाँ भी कर रहे हैं, वही देखो फैक्टरिंग कहीं ना कहीं हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वही जो डिफरेंट इनोवेटिव वेज जो था, उसी चीज़ों को हम डिफरेंट वे में अब एनालाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए मोड ऑफ फाइनेंसिंग बोले तो 3 मोड है मेरे पास, कौन कौन से 3 मोड है, बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड यानी कि 3 मोड है। अब तीनों मोड को अगर हम समझ ले तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे तीनों मोड पे क्वेश्चन आएगा। जैसे आप अगर देखते हो तो पीछे जो क्वेश्चन आ रखा है बूट स्ट्रैपिंग पे आ रखा है, कि बूट स्ट्रैपिंग पे बताइए एक क्वेश्चन आ रखा है, अभी अभी नवंबर 18 में एंजल इन्वेस्टर पे क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और वेंचर कैपिटल के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आइएगा वापस, बूट स्ट्रैपिंग की हम अगर बात करें तो क्या होता है, इसको ना याद रखना बहुत आसान है। बूटस्ट्रैपिंग के अंदर सोचो मैं स्टार्टअप को फाइनेंस कर रहा हूं, याद रखना अभी फाइनेंस ही हो रहा है, यहां भी स्टार्टअप को फाइनेंस ही कर रहे थे, अभी भी हम स्टार्टअप को फाइनेंस ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अलग अलग मोड, 3 मोड में बात कर रहे हैं। मोड क्या है, देखो बूटस्ट्रैपिंग ये कहता है कि एक्सटर्नल हेल्प के बिना अपना स्टार्टअप कर लेना, याद रखना ये लाइन अगर याद रख लोगे तो आपका क्या कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग याद रह जाएगा। बूटस्ट्रैपिंग के लिए एक चीज याद रख लो, दिमाग में सेट कर लो, एक्सटर्नल हेल्प के बिना बिजनेस को स्टार्टअप को फाइनेंस कर लेना। बोलोगे कौन सी एक्सटर्नल हेल्प की बात कर रहे हो, मैं लोगों से हेल्प नहीं लूंगा, इन्वेस्टर को मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट को नहीं बुलाऊंगा, उन लोगों को मैं नहीं बोलता कि तू पैसे दे, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर को नहीं बोलता मैं पैसे दे। बोलोगे कौन होता है ये एंजल इन्वेस्टर, जैसे मान लीजिए
आप एक आपके पास एक आइडिया है, आप एक बिजनेस करना चाह रहे हो, आपके एक रिलेटिव जो है उनके पास बहुत पैसे हैं और वो आपको हेल्प करना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मुझे लगता है मैं ना एक मैं कहीं एक कंपनी में काम करने गया, मान लीजिए एक कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले कंपनी में काम किया, मुझे वहाँ का सारा पता चल गया कि कोल्ड ड्रिंक्स बनता कैसे, मेरे को इसका फॉर्मूला केमिकल का फॉर्मूला भी मेरे पास आ गए, ठीक है, मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे मशीन कहाँ से ख़रीदना है, सब चीज़ देख लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे एक स्टार्टअप करना है, किस चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक्स मुझे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक मुझे मैन्युफैक्चर करना है, इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, या चलो कोल्ड ड्रिंक्स ना करके, चलो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हो सकता है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े, मैंने क्या करा कि एक वाटर प्यूरीफाई कराता हूँ, जो मिनरल वाटर बनाते हो, मिनरल वाटर, बिस्लरी, ठीक है, एक्वाफिना, इन सारे चीज़ों को इस तरीके का मैं मिनरल वाटर बनाता हूँ, इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की बहुत कम की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ना अपना आइडिया अपने रिश्तेदार लोगों के पास रखा, ठीक है, फैमिली वाले के पास या रिश्तेदार के पास बोला, एक रिश्तेदार थे मेरे, मान लीजिए मेरे मामा जी, वो बहुत पैसे वाले, उसने मुझे हेल्प करना चाहा, उसने मुझे हेल्प करना चाहा, मुझे फंडिंग दिया। मेरे मामा जी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो जो मुझे पैसे दे रहे हैं, वो जब मैं मिनरल वाटर बनाऊंगा, वाटर प्यूरिफाई करके बेचूंगा, तो जो मैं पैसे कमाऊंगा, उस कमाई पे उनका लालच नहीं है। वो मामा जी का ऑब्जेक्टिव यह है कि मेरा भांजा जो है वो थोड़ा सा अच्छा कर ले, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनका ऑब्जेक्टिव है, वो हेल्प करना चाह रहा है। इस तरीके के रिश्तेदार या फैमिली मेंबर या कोई दोस्त जो मुझे बिना अपने कमाने की इंटरेस्ट के अलावा अगर मुझे कोई एक फंडिंग कर दे, जिसमें सब ऐसे समझ जाओ मेरे पे वो एहसान कर रहा है, मेरे को बस ये बढ़ते हुए देखना चाह रहा है अपने बिना किसी ऑब्जेक्टिव का, तो याद रखना वो जो मेरे मामा जी मुझे फंडिंग कर रहा है, तो ऐसे नहीं कि मुझे फ्री में पैसे दे रहे हैं, वो अपने पैसे वापस लेंगे, लेकिन वो कमाई नहीं जाना चाह रहे, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है मुझे हेल्प करना, और उससे जब मैं ग्रो कर लूंगा तो मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा, अगर मुझे लगेंगे कि मैंने ज्यादा कमा लिया तो हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादा रिफंड कर, मतलब ज्यादा रिपे कर दूंगा। इस तरीके के जो इन्वेस्टर है उसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या हमने जो इनोवेटिव वेज पढ़ा था उस इनोवेटिव वेज के अंदर फैमिली एंड फ्रेंड बोला था, क्या यही फैमिली एंड फ्रेंड मेरा एंजल इन्वेस्टर हो सकता है? हाँ, याद रखना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से सोचिए, इसी जो इनोवेटिव वेज था ना फाइनेंसिंग के अंदर, इसी में कुछ बूटस्ट्रैपिंग है, इसी में कुछ क्या कहते हैं एंजल इन्वेस्टर है, और इसी के अंदर कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट है। अब मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा लिंक कर पा रहे होगे, आप इसी फाइनेंसिंग के जो वेज है इसी के अंदर मेरा बूटस्ट्रैपिंग भी है। अब आप मुझे बताओ, मैंने बूटस्ट्रैपिंग में मैंने एक चीज बोला, बिना किसी दूसरे के सहारे फंड अरेंज कर लेना, आप मुझे बताओ क्या ये पर्सनल फाइनेंसिंग जो है एक तरीके से देखा जाए तो क्या बूटस्ट्रैपिंग का मोड नहीं हुआ ये? हाँ, ये बूटस्ट्रैपिंग का मोड हुआ, याद रखना। ये जो पर्सनल क्रेडिट लाइन है, क्या मैंने किसी तीसरे का सहारे लिया? क्या नहीं लिया, ये बूटस्ट्रैपिंग का मोड हो गया। यानी कि फिर कुछ लोग बोलेंगे आपने यहां पे क्रेडिट लाइन भी बोला है, मैं उसको लिंक कराता हूं। हमने क्या बोला है कि इस तरीके के दोस्तों का मैंने हेल्प नहीं लेना है, लेकिन जो वेंडर है जिससे मैं सामान खरीदता हूं या जिसको मैं बेचता हूं, मैं उसको आउटसाइडर नहीं मान रहा, वो मैं मान रहा हूं मेरे एक बिजनेस का पार्ट है। मैं एक सामान उधार खरीद के लाता हूं और मैं कस्टमर को उधार बेचता हूं, तो एक कस्टमर को और वेंडर को ना आप अपना मान लो। अब याद रखना पड़ेगा, देखो अल्टीमेटली मैं एक याद करने का तरीका बता सकता हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि अपना मैं तरीका नहीं बना रहा हूं। अब बूट स्ट्रैपिंग को अगर आप जाओगे, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब समझिए तो क्या कहते हैं, कोई भी एक काम जो कि एक्सटर्नल हेल्प के बिना कर लेना, उन चीजों को बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। तो मैं कहता हूं एक्सटर्नल हेल्प नहीं लिया, तो फिर बोलोगे वेंडर और कस्टमर का हेल्प तो लिया ना, मैं इसको आउटसाइडर नहीं बोल रहा, मैं उसको अपना मान रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से याद रखोगे तो बूट स्ट्रैपिंग जो होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वेंडर से मैं हेल्प ले सकता हूँ, वेंडर से मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, जो डेटर को मैंने उधार बेचा था उससे जो पैसे लाना है उसको मैं फैक्टरिंग करा सकता हूँ,
क्योंकि जो डेटर से कलेक्शन करना है वो कलेक्शन तो 30 डेज बाद होगा, लेकिन मैं फैक्टर के पास जाता हूँ और फैक्टर को बोलता हूँ, भैया तू ना डेटर से कलेक्शन करते रहना, बाद में मुझे ना अभी थोड़ा सा पैसे दे दो। इसको कहते हैं डेटर को डिस्काउंट करा लेना या डेटर को फैक्टरिंग करा लेना। तो फैक्टरिंग हम करा सकते हैं, यानी कि अपने बदौलत जब मैं फंड रेज करना चाह रहा हूँ अपने बदौलत, इस तरीके से याद रखोगे तो बूटस्ट्रैपिंग याद हो जाएगा। बूटस्ट्रैपिंग में स्टार्टअप को फाइनेंस करता हूं अपने बदौलत, ठीक है। तो इसमें तीन आपको मेथड याद रखना है, एक ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट जो ट्रेड में जो मैं अपना क्या कहते हैं, जो सामान खरीदता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, जो सामान खरीदता हूँ उसको मैं उधार पे ले लेता हूँ, वेंडर का फाइनेंसिंग भी बोल सकते हो, ट्रेड क्रेडिट इन नथिंग बट वेंडर फाइनेंसिंग, ऐसे बस समझ सकते हो। एक फैक्टरिंग करा लेते हैं, वही डेटर को डिस्काउंट करा लेते हैं, यानी कि देखोगे तो कहीं ना कहीं वेंडर फाइनेंसिंग फैक्टरिंग दो और पर्सनल वाले तो है ही है, तो हमारा ये सारे बूटस्ट्रैपिंग का पार्ट हो गया। तो कुछ लोग बोलेंगे कि फिर आपने इसमें पर्सनल फाइनेंसिंग का नाम क्यों नहीं दिया, आप मेरे को नाम देने से थोड़ा ना होगा। इसने बूटस्ट्रैपिंग में पहले अपना फंड लगाना है इसको इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया, और फिर बाद में बोलते कि हम तीन मेथड से कर सकते हैं, एक क्रेडिट ले लेंगे, एक फैक्टरिंग यानी कि डेटर को बेच देंगे, फैक्टर से पैसे पहले ले लेंगे, और एक मशीन वगैरह ना लीज पे ले लेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी वेंडर से उधार ही लेना हो गया, यानी कि वेंडर को दो पार्ट में रख लिया। कैसे, जो एक शॉर्ट टर्म का जो मटेरियल्स वगैरह खरीदना है उसके लिए वेंडर से उधार लेना और मशीन उधार पे लेना। तो मशीन जो उधार पे लेंगे उसको हम लीज की बात कर देते हैं, यानी कि मशीन को हम रेंट पे ले लेते हैं। ये जो तीन मेथड है ना बूटस्ट्रैपिंग के अंदर आ जाएगा। और एंजल इन्वेस्टर तो बता ही दिया कि जो हमारे रिश्तेदार वगैरह कोई ऐसा है जिसका ऑब्जेक्टिव हेल्प करना है, वो मुझे एक इस्टेब्लिश्ड होते हुए देखना चाह रहे हैं, मेरे को अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखना चाहता है, मेरा जो वेल विशर है वो मेरे लिए एंजल इन्वेस्टर है, ठीक है। और वेंचर कैपिटल फंड क्या होगा, ये भी एक आउटसाइडर है जो मुझे पैसे देता तो है लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव मेरे से पैसे कमाना है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक इनोवेटिव आइडिया है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 3D प्रिंटर बना रहा हूँ, जो आपको किक किक स्टार्टर पे देखा था आपने, तो सामने वाले को क्या लगा कि वो को लग रहा है कि हाँ ये बिजनेस में सक्सेस करेगा अगर तो बहुत बढ़िया करेगा, वो वेंचर कैपिटल को लालच है, मेरे आइडिया पे लालच है, उनको क्या लग रहा है मेरा आइडिया जब अगर सक्सेस हो जाएगा तो तहलका मचाएगा मार्केट में, जब वो तहलका मचाएगा तो वो भी उससे खूब कमाना चाहता है। तो वो जो सामने वाले पार्टी है उनको पता है कि मुझे पैसे की जरूरत है क्योंकि मैं अपने बलबूते तो ये काम कर नहीं पाता, तो वो जो पार्टी है वो मुझे पैसे देने को तैयार है लेकिन वो मालिक बनना चाहेगा, मुझे लोन नहीं देगा। वेंचर कैपिटलिस्ट, जो वेंचर कैपिटलिस्ट वो ऐसा पार्टी है जो एज ए ओनर मेरे बिजनेस स्टार्टअप में पार्टिसिपेट करता है, वो ऐसा पार्टी है और वो रिस्क ले रहा है, मुझे इनिशियल फंडिंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो रिस्क ले रहा है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक इन्वेस्टर हुआ जो कि हाई रिस्की बिजनेस में पैसे लगाता है इस उम्मीद से कि अगर वो बिजनेस सक्सेस होगा तो वो भी उसका कुछ पार्ट प्रॉफिट का कमाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप फाइनेंस का एक मालिकाना हक खरीदने वाले पार्टी जो रिस्क लेता है रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस इन्वेस्टर को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में डिफरेंस भी आपका आ सकता है। एंजल इन्वेस्टर में चलिए एक काम करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार कि वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग जो स्टडी मैट में जो जिस तरीके से डिटेल में लिखा है इसको देखते ही देखिए, पिछ प्रेजेंटेशन तो हमारा हो गया था, अब हम अगर आगे बात करें तो ये देखिए मोड ऑफ फाइनेंसिंग में बूटस्ट्रैपिंग की बात करते हैं। देखो बूटस्ट्रैपिंग क्या कहते हैं, कहते हैं एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी बूटस्ट्रैपिंग, किसी एक इंडिविजुअल को बूटस्ट्रैपिंग कह सकते हैं व्हेन ही सी अटेम्प्ट्स टू फाउंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस। अब खुद सोचो, खुद सोचो, क्या मैंने अभी बोला था कि पर्सनली फाइनेंस करना भी एक बूटस्ट्रैपिंग का मोड हो गया, यानी कि मैं अपने बलबूते अगर मैं कोई एक स्टार्टअप कर लेता हूं तो उसी चीज को बूटस्ट्रैपिंग बोलेंगे। किसको, उस इंडिविजुअल को, मैं इंडिविजुअल अपने पर्सनल फाइनेंस से अगर मैं कोई एक एंटिटी स्टार्ट करके काम करना चाहता हूं तो इसी को बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद कुछ और भी है, इसको पढ़ते रहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है, देखो जैसे इसका क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग का वेरियस मेथड। इस मेथड के अंदर हमने यहाँ पे तीन मेथड पढ़ना है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और एक हो गया हमारे लिए लीजिंग। उम्मीद करता हूँ इसको एक बार रीड कर लीजिए, आप आराम से समझ सकते हो। ट्रेड क्रेडिट मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ है कि नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, पढ़िए इसको एक बार, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर पे देखो क्या बोलता है एंजल इन्वेस्टर। देखो यहाँ क्या लिखा, मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूँ आपके लिए। एंजल इन्वेस्टर टिपिकली यूजेस देयर ओन मनी, यानी कि एंजल इन्वेस्टर जो फरिश्ता है, जो मेरे लिए मेरा वेल विशर जो है, ये अपने पैसे यूज करता है, अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कभी कभी क्या करते हैं, वो टेक्स केयर ऑफ पूल्ड मनी। पूल्ड मनी समझते हो, जिस वेंचर कैपिटलिस्ट की बात कर रहा था वो एक एंटिटी भी हो सकता है जो लोगों से फंड इकट्ठा करके और तब मुझे पैसे लगाता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ही एक पूल क्रिएट करता है। बोलोगे कैसे, ध्यान से देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट में दो तरह का हो सकता है, एक जिसके पास, एक पर्सन के पास पैसे, वो मुझे सीधा पैसे देते, उसको भी हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं। एक दूसरा, एक एंटिटी बना लिए, वो एंटिटी ट्रस्ट हो सकता है या फिर ये कंपनी हो सकता है, ठीक है। बताता हूँ अभी स्ट्रक्चर में आगे। एक ट्रस्ट या कंपनी एक बन गए, ये एंटिटी क्रिएट किया, वो अब छोटे छोटे फंड का पूल क्रिएट करता है, ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स वगैरह है उनसे पैसे लेते हैं और ये फंड क्रिएट कर लिया, अब ये वेंचर कैपिटल फंड बोलेंगे। वेंचर कैपिटल फंड है ये, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड क्या हो गया, एक इंडिविजुअल से फंड कलेक्शन करते हैं और वो पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो हमने इसको म्यूचुअल फंड बोला, जो कि म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है। वैसे ही एक ट्रस्ट जो लोगों से पैसे लेता है और वो स्टार्टअप में पैसे लगाता है, यानी कि म्यूचुअल फंड में और वेंचर कैपिटल फंड में एक छोटा सा डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड जो पैसे लेते हैं वो एंटरप्रेन्योर में पैसे लगाता है, एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग में पड़ा, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में पैसे लगाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में पैसे लगाता है म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप में पैसे लगाता है वेंचर कैपिटल फंड। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड दोनों एक जैसे हैं। म्यूचुअल फंड भी छोटे छोटे पब्लिक से पैसे लाता है, वेंचर कैपिटल फंड भी छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे लाते और वो लगाता है स्टार्टअप में। एक तो हो गया ये वेंचर कैपिटल फंड की बात कर रहे हैं, तो वो यही बोला है यहां पे, छोटा सा लिखने की कोशिश किया था कि अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट हु टेक केयर ऑफ पूल्ड मनी फ्रॉम मेनी अदर इन्वेस्टर्स एंड प्लेस देम इन ए स्ट्रेटेजिकली मैनेज्ड फंड, ठीक है। तो ये कह रहे कि एंजल इन्वेस्टर जो है टिपिकली अपना पैसे लगाता है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो दूसरे के पैसे पुल करके फिर लगाता है। लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ये पैसे जो है ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है, बताता हूँ। ये भी देखो कहीं पे लिखा है, ये देखो, एंजल इन्वेस्टर्स आर फोकस्ड ऑन हेल्पिंग स्टार्टअप टेक देयर फर्स्ट स्टेप रादर देन पॉसिबल प्रॉफिट दे मे गेट फ्रॉम द बिजनेस। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव एंजल इन्वेस्टर का कि वो स्टार्टअप को एक बिजनेस के फॉर्म देने के लिए वो हेल्प करता है कि एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप में वो थोड़ा सा स्टैंड हो जाए, वो खड़े हो जाए पहला स्टेप में, ना कि उस बिजनेस से पैसे कमाना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यही मेन डिफरेंस है एंजल इन्वेस्टर का और वेंचर कैपिटलिस्ट का, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ ये अब आप इसको पढ़ोगे तो शायद आप समझ पाओगे, पढ़िए आप इसको। देखिए ये कुछ अब चीज है, जैसे बोला है कैपिटल एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड प्रोवाइड मे बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू हेल्प, फिर से देख रहे हो, टू हेल्प द बिजनेस, वन टाइम फंडिंग कर देगा बिजनेस को हेल्प करने के लिए। इस तरीके से कुछ पॉइंट है वो लिखेंगे, एंजल इन्वेस्टर पे आपको शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। अब आते हैं वेंचर कैपिटल फंड पे, ठीक है। अब दो तरह का हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल है जो डायरेक्टली पैसे देते हैं स्टार्टअप को, यह स्टार्टअप
एक इंडिविजुअल डायरेक्टली देता है, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, और एक कोई फंड क्रिएट करके देते हैं, इसको वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट इसको भी बोल सकते हो, दोनों चीज हो सकता है। एक बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टार्टअप में लगाते हैं, वो भी वेंचर कैपिटलिस्ट है। एक पूल्ड फनी को फंड, पूल्ड मनी, पूल्ड मतलब बहुत सारे फंड को इकट्ठा करना, पूल्ड मनी को स्टार्टअप में लगाते हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए एक वेंचर कैपिटलिस्ट है। तो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट को कुछ डिटेल में यहाँ पे बोला गया है, एडवांटेज क्या है कि वेंचर कैपिटल को कंट्री में लाना, फिर कहते क्या स्टेज है वेंचर वेंचर कैपिटल फंड का, क्या क्या स्टेज है। तो इन छोटी छोटी बातों पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले तो बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, याद रखना ये जो है कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वेंचर कैपिटल फंड का, जो पूल्ड मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखता हूँ यहाँ पे क्या लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं वेंचर कैपिटल मीन्स फाइनेंसिंग न्यू रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज बाय परचेजिंग इक्विटी सिक्योरिटी। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड लगाते हैं वो कभी भी लोन नहीं देता है, वो इक्विटी का ही पार्ट होता है, ये इसका एक नेचर है, किसका, वेंचर कैपिटल वाले का, क्योंकि वो रिस्क ही ले रहा है, इसीलिए क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा कमाना, यानी कि स्टार्टअप में रिस्क लेना ही वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है। अब आइए, तो ये छोटा सा लाइन है कि देखो एक नया रैपिडली, नए स्टार्टअप बोलते हैं, न्यू रैपिडली ग्रोइंग कंपनी भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इनिशियल फंडिंग ही करके देगा स्टार्टअप, वो तो स्टेज में पता चल जाएगा कि एक साल स्टार्टअप का, एक साल हो गया अभी भी पैसे की जरूरत हो सकता है, वहां पे भी पैसे लगाना वेंचर कैपिटल ही कहलाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है न्यू रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस में पैसे जो लगाते हैं उन चीजों को वेंचर कैपिटल बोलते हैं। अब आइए आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, जो वेंचर कैपिटल से फाइनेंस करते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहते हैं ना कि आपका क्या कैरेक्टर है, ठीक है। कैरेक्टर जैसे ही बोलते हैं तो क्या हो जाता है बताओ, आपका एक बेसिक नेचर कैसा है, आप बेसिक जो आपका अंदर के जो कैरेक्टर है उस चीजों को बताता है। तो कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड का यानी कि फाइनेंस का क्या एक नेचर है, खुद सोचो। एक आउटसाइडर पैसे देता है स्टार्टअप में, वो उम्मीद रखता है कि मेरा स्टार्टअप सक्सेस होगा, वो कमा के लेके जाएगा, तो क्या वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो मेरे में वो हुनर उसको दिखा होगा, और अगर दिखा है तो आप मुझे बताइए कोई भी स्टार्टअप 2 साल में सक्सेस हो जाएगा, 3 साल में सक्सेस हो जाएगा, बहुत टाइम लगते हैं उसको सक्सेस होने में, 8 साल 10 साल भी लग सकते हैं, 4 5 साल तो नॉर्मल लग सकते हैं। तो जो भी वेंचर कैपिटल में, वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप में पैसे देना चाह रहा है, उनको पहले माइंड सेट करके रखना है कि मुझे लंबे टाइम के लिए फंडिंग कर रहा हूं। देखो आप अगर एंटरप्रेन्योर में पैसे लगाते हो और स्टार्टअप में पैसे लगाते हो, एक और डिफरेंस आता है, बोलोगे क्या डिफरेंस आता है, देखो आप एक रिलायंस को पैसे दीजिए, बोलोगे रिलायंस इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो, लेकिन आपने जो रिलायंस को पैसे दिया, मान लीजिए रिलायंस ने एक इक्विटी में फंडिंग कराना चाहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक FPO लेके आ रहा है, इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा है, आपने पैसे लगा लिया, रिलायंस तो आपको कभी भी पैसे वापस नहीं करेगा, क्योंकि रिलायंस ने जो फंड रेज किया है हो सकता है वो प्लांट एंड मशीनरी या लॉन्ग टर्म फंड में जाके पैसे इन्वेस्ट हो जाता है, तो रिलायंस से पैसे वापस नहीं मांग सकते हो, लेकिन आप जब मर्जी पैसे वापस ले सकते हो। बोलोगे ये कैसे, क्योंकि एक हमारे पास एक मिलन का प्लेस है जिसको हम लोग NSC और BSC कहते हैं, शायद सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो पहले इसको सुन लीजिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा SFM का नॉर्मल लेक्चर है उसके अंदर ये पूरा आप ऑलरेडी जान चुके हो NSC BSC क्या होता है। ये मिलन का प्लेस है जहाँ पे पुराने मालिका मालिक जो है नए मालिक को अपना मालिकाना हक ट्रांसफर करता है। मतलब क्या हुआ, देखो मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मैं ना अब रिलायंस का मालिक नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इसमें से एग्जिट करना चाहता हूँ, तो रिलायंस तो मुझे पैसे वापस करेगा नहीं क्योंकि उसने तो अपना पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, मैं एक काम करता हूं दूसरे लोगों के पास जाता हूं और कहता हूं ये लो मैं बेचना चाहता हूं मालिकाना हक, कोई है खरीदने वाले, करोड़ों इन्वेस्टर सामने आ जाएंगे मेरे से वो शेयर खरीदने के लिए। मतलब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये लिक्विडिटी समझाने के लिए मैं इतने देर से बोल रहा हूं, और ये आपको मालूम है लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, मैं इस पेन को बेचना चाह रहा हूं और सेकेंड में अगर मैं इस पेन को बेच सकता हूं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बेचना चाह रहा हूं,
टाइम लगेगा मुझे, 1 दिन 2 दिन लग सकता है बायर सेलर बायर को ढूंढने के लिए। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, और ये मुझे नहीं लगता है ये आपके लिए नया वर्ड है, लिक्विडिटी बहुत बार सुन रखा है। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, OLX को आने की वजह से यूज प्रोडक्ट को बाई सेल करने का लिक्विडिटी कुछ हद तक बढ़ गया। होप ये समझ आया मैंने क्या बोला। जब तक OLX नहीं था तब तक यूज प्रोडक्ट को बेचने खरीदने में प्रॉब्लम आते थे, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी। लिक्विडिटी का मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज जो मेरे पास एक एसेट्स है, अगर उसका फंड मैं इमीडिएटली रियलाइज कर सकता हूं, उससे पैसे मैं रियलाइज कर सकता हूं, नो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। जैसे आप देखते हो, कहते हो कि सेविंग अकाउंट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या हुआ, सेविंग अकाउंट में किसी के पास पैसे सेकंड में पैसे ला सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। वही सेम चीज हम कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब एक कोई इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है, इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है, इसमें अगर कोई पैसे लगाता है, इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लिस्टेड होगा, आप शेयर सेल करना चाहोगे, सेकेंड में आपको बहुत सारे बायर मिल जाएंगे जो खरीदने के लिए बोली लगाएंगे, नो लिक्विडिटी प्रॉब्लम अगर आप एंटरप्रेन्योर में पैसे लगाते हो। लेकिन वेंचर कैपिटल तो पैसे किसको देते हैं, स्टार्टअप को। अब स्टार्टअप तो इतना जल्दी NSE BSE पे लिस्टेड नहीं हो गया होगा। अब लिस्टेड अगर नहीं है तो अब मान लीजिए एक स्टार्टअप में एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे लगाया, मान लीजिए इसने 10 लाख रुपये लगा दिया। अब इसको 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये चाहता है कि मैं अपने पैसे बैक ले लूं, वापस ले लूं आफ्टर 1 ईयर। क्या ले पाएगा, सोचो कैसे। जब इसको इस स्टार्टअप से बाहर निकलना है तो ये स्टार्टअप ने तो अपने एसेट्स खरीद रखा है, ये पैसे कैसे वापस कर देगा इसको बताइए, तो वापस कर ही नहीं सकता है। तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, वो क्या करेगा, एक दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढेंगे, यानी कि वो भी इक्विटी में पैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। किसको, दूसरे बायर को सेल करेंगे। लेकिन क्या इसको बेचने में मुसीबतें आ सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं सामने वाले पार्टी जो है बायर वो मुझे जल्दी से मिल जाए। इसीलिए वेंचर कैपिटल नॉर्मली स्टार्टअप में पैसे लगाता है नॉर्मली, क्योंकि नए ग्रोइंग बिजनेस में पैसे लगाते तो वो लिस्टेड वगैरह होगा नहीं, तो लिस्टेड नहीं होगा तो उसकी प्रॉब्लम किस चीज की आएंगी, लैक ऑफ लिक्विडिटी की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका दो चीज हो गया, एक तो लॉन्ग टर्म के पैसे लगाएंगे और एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि बायर ढूंढने में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। ओके, और ये तो मालूम ही है कि अगर वेंचर कैपिटल में, सॉरी स्टार्टअप में कोई पैसे लगा रहे तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, ये एक नेचर हुआ, एक कैरेक्टर हुआ। हाई रिस्की फंड होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग जो होते हैं ना, बहुत हाई रिस्की फंडिंग है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कोई फंडिंग कर रहा है तो हम उसको कह सकते हैं हाई रिस्की है। दूसरा, इक्विटी पार्टिसिपेशन है, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट जो है स्टार्टअप को एज ए लोन नहीं देता, उसका एक इनहेरेंट नेचर है कि वो इक्विटी में ही पैसे लगाएगा, वो मालिक ही बनेगा। अगर मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो वो कभी भी स्टार्टअप में पैसे नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका लालच है कमाना। समझ में आ गया, चार कैरेक्टर है वेंचर कैपिटल फाइनेंस का। क्या, बहुत लंबे पीरियड के लिए लगाते हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होता है, जल्दी से मैं उसको बेच नहीं सकता, जब मैं चाहूं तो पैसे लग निकाल नहीं सकता, इसीलिए लैक ऑफ लिक्विडिटी। तीसरा, बहुत हाई रिस्क की फंड हो गया। और चौथा, इक्विटी का पार्टिसिपेशन है, वो एज ए इक्विटी ही पैसे लगाता है, ये चार इसका इनहेरेंट फीचर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटल इन दी कंपनी, मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, पहले टॉपिक समझो तभी आपको आ सकता है। टॉपिक क्या कह रहा है, देखो मैंने इसको यहां से कचरा थोड़ा सा खाली कर देता हूं, ठीक है जी, आइए वापस क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, कंपनी में वेंचर कैपिटल को लाने का क्या एडवांटेज है, मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कंपनी में, कौन सी कंपनी की बात हो रही है, कौन सी कंपनी की बात हो रही है, वही वही स्टार्टअप, यस अप स्टार्टअप, वो स्टार्टअप जो कंपनी आपने बनाया है उसमें वेंचर कैपिटल को लाने का क्या फायदा है। वेंचर कैपिटलिस्ट
ऐसे बंदे को लाने से क्या फायदा है, क्योंकि वो अगर मुझे पैसे दे रहा है तो मालिक ही बन रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब मैं इसमें से कमा के लाऊंगा, मान लीजिए हमने इन्वेस्ट कर लिया, और इन्वेस्ट करके जब हम कमा के लाएंगे, मान लीजिए हमने कुछ कमा के लाया, तो याद रखना ये सिर्फ आपका ही नहीं होगा, आप तो हो ही हो, आपने पर्सनल फंडिंग तो किया ही है, आप तो कमाओगे ही कमाओ से, क्योंकि आपने भी पैसे लगाए, आप भी ओनर हो। एक तरीके से देखा जाए तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपके पैरेलल खड़े हैं। तो अब मुझे बताइए, फिर उसको क्यों ला रहे हो, आप मुझे बताइए क्या फायदा है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कह रहा है, वेंचर कैपिटल को हमारे कंपनी में, वेंचर कैपिटल को लाने का क्या फायदा है। अब सोचो थोड़ा ध्यान से, सबसे पहले तो ऐसे समझो, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो पैसे वाले बंदे हैं, या तो ये फंड अगर होगा तो, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या आप कहते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड को कैसे बोलते हो कि प्रोफेशनली मैनेज्ड, प्रोफेशनली मैनेज्ड एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड, वैसे ही वेंचर कैपिटल अगर फंड है वो, या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है या तो ये फंड भी हो सकता है, वेंचर कैपिटल फंड अगर होगा तो छोटे छोटे लोगों से फंड पूल करके और तब स्टार्टअप में पैसे लगाता है। तो क्या लगता है, वेंचर कैपिटल फंड जो है, क्या वो एक प्रोफेशनल को हायर करके बैठे होंगे, वो एक्सपीरियंस बंदा होगा जो छोटे छोटे इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज कर रहा है, किस स्टार्टअप में पैसे लगाना है नहीं लगाना है ये भी डिसीजन लेने के लिए उस वेंचर कैपिटल फंड में एक कोई मैनेज एडवाइजर बैठा होगा, एडवाइजरी सर्विसेज देता होगा। समझ में आया। तो अब मुझे बताइए क्या होता है, ध्यान से सोचिए, वेंचर कैपिटल को कंपनी में लाने से क्या क्या फायदा है। देखो ये जो वेंचर कैपिटल है वो भी सोच रहा है कि ये कंपनी मेरा है, हमेशा इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। बोलोगे कैसे, इनके पास नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, किसके पास, वेंचर कैपिटल फंड के पास, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है, तो इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उस एक्सपीरियंस की वजह से। मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर का भी कचरा सा खाली करता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ओके आते हैं, वेंचर कैपिटल फंड जो है वो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको बहुत सारे मार्केट का नॉलेज है, इसके मार्केट में सर्कल भी पहले से बना हुआ है, इसके पास लोगों का कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट लिस्ट होंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिएगा, वेंचर कैपिटल को लाने की वजह से आपको हेल्प मिलेगा। बोलोगे कैसे हेल्प मिलेंगे, सबसे पहले देखो, एक तो लॉन्ग टर्म का फंड मिल जाएगा, जल्दी जल्दी से मांगने वाले नहीं होगा कोई। तो सबसे पहला बेनिफिट यह है कि इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, ठीक है जी, कुछ प्रोवाइड्स अ सॉलिड कैपिटल बेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सॉलिड कैपिटल बेस मतलब क्या हुआ, देखो ये वेंचर कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दिया है, तो ऐसा इस बात का रिस्क नहीं कि एक साल के बाद मेरे से मांगने आ जाएगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैंने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिया, मैं कैसे, कौन किस चीज़ को बेस के वापस करूंगा। तो ये एक वेंचर कैपिटल को लाने का एक बेनिफिट हो गया। तो याद करेंगे पहला पॉइंट, लॉन्ग टर्म का फंड इंजेक्ट करते इसलिए सॉलिड कैपिटल बेस बनते, ये एक पहला फायदा है वेंचर कैपिटल को अपने कंपनी में लाने का। दूसरा, अब हम कह रहे हैं द वेंचर कैपिटल इज बिजनेस पार्टनर, ये मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, शेयरिंग बोथ द रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों शेयर कर रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट आर रिवॉर्डेड विथ बिजनेस सक्सेस एंड कैपिटल गेन। यानी कि इसमें कोई एक बड़ा सा लाइन नहीं, बस एक छोटा सा बोलना है, ये हमारा एक बिजनेस पार्टनर है, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों शेयर कर रहा है, ये भी एक फायदा है। बोलोगे फायदा कैसे हुआ, रिस्क शेयर करना आपके लिए फायदा ही तो हुआ, तो बेनिफिट एडवांटेज आप पढ़ रहे हो। एक बात चीज याद करिए, याद करना है, टाइम लगा के पॉइंट वाइज याद करोगे हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का पैसे देता है, सॉलिड कैपिटल बेस है, ठीक है, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि मेरा रिस्क शेयर करता है, तो रिस्क को याद रखोगे तो याद आ जाएगा, तो एक बिजनेस पार्टनर है हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड को शेयर करता है, बस इतना लिख दीजिए काम खत्म। रिवॉर्ड शेयर करना तो एडवांटेज नहीं है, रिस्क शेयर कर रहा है, इसीलिए हम इसको एडवांटेज वर्ड दे सकते हैं। अब आइए आगे, तीसरा कहते हैं कि प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस देता है हमें, प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस टू द कंपनी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी एक फायदा हो गया।
समझ में आया कुछ? क्योंकि ये वेंचर कैपिटल जो है ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन वाले दूसरे स्टार्टअप को फंडिंग किया होगा, उसके पास जो पुराना एक्सपीरियंस है सिमिलर बिजनेस का, वो एक्सपीरियंस हमें शेयर करेगा, तो वो जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो हमारे लिए बेनिफिट हो गया। तो तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, देखो तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि प्रैक्टिकल एडवाइज और असिस्टेंस जो हमारे को शेयर करता है वो हमारे लिए एक फायदा हो गया, ठीक है? यानी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जो कि सिमिलर बिजनेस में था, एक्सपीरियंस को शेयर करना, प्रैक्टिकल एडवाइस देना, ये हमारे लिए एक फायदा हो गया, कंपनी का फायदा हुआ वेंचर कैपिटल को लाने के लिए। चौथा पॉइंट फिर कहते हैं इसके पास नेटवर्क है कॉन्टैक्ट का, मैंने अभी बोला था ना ये एक्सपीरियंस बंदा है, इसके पास बहुत सारे सर्कल में लोग हैं, तो उन लोगों तक हमारे बिजनेस का एक तरीके से एडवर्टीजमेंट की तरह यूज हो जाएगा, नेटवर्क का फायदा लेंगे। तो हम चौथा क्या बोलेंगे, देखिए कैपिटलिस्ट ऑल्सो हैव ए नेटवर्क कैपिटल, उसमें एरियाज दैट कैन एड द वैल्यू टू द कंपनी, ठीक है? हम ये बोलेंगे कि द वेंचर कैपिटल ऑल्सो हैज ए नेटवर्क कॉन्टैक्ट, इट मे इन मेनी एरियाज दैट कैन एड वैल्यू टू द कंपनी। तो बस सिंपल ये बोलेंगे कि उसका जो नेटवर्क सर्कल है उससे हमारे कंपनी का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, बस ये चीज याद रखेंगे, ये भी एक फायदा हो गया। अब आगे देखिए फिर कह रहे कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग। हाँ देखो ये पैसे वाले बंदे हैं, कौन सी बंदे, ये वेंचर कैपिटल के पास पैसे हैं, अच्छा खासा पैसा है, फंड कलेक्शन कर रखा है। मान लीजिए कुछ दिन के बाद फर्दर फंडिंग की जरूरत पड़ा, तो फर्दर फंडिंग के लिए भी ये मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास देखो ज्यादा पैसे नहीं था, लेकिन वेंचर कैपिटल के पास ज्यादा पैसे। अब मान लीजिए इसने एक बार मुझे 20 लाख लगा लिया, मान लीजिए इसने एक बार, अब उनको लगता है वेंचर कैपिटल को कि पैसे को 10 लाख की और जरूरत है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि अरे 20 लाख डूब जाए डूने तो अब मैं नहीं लगाता, क्योंकि उनको इस 20 लाख को रिकवरी करना है, इसीलिए एडिशनल जरूरत पड़ रहा है तो और लगाएगा। तो इस पॉइंट पे वो यही बोल रहे हैं कि कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग, एडिशनल राउंड के फंडिंग के लिए भी कैपेबल है, ये भी आपके लिए एक फायदा हो गया वेंचर कैपिटल को अपने बिजनेस में लाने का। वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपनीज फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ ये भी एक फायदा है, कैसे देखो बाद में जाके, अब वेंचर कैपिटल को मान लीजिए 7-8 साल हो गए, अब हमारा कंपनी जो है वो सक्सेस हो गया, ये कंपनी हमारा बिजनेस स्टार्टअप सक्सेस हो गए, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप का कन्वर्ट हो गए, अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए इस वेंचर कैपिटल को अपने जो मान लीजिए अभी 30 लाख लगाया था, ये 30 लाख उसको अब वापस लेना है, कैसे वापस लेगा बताइए। अब इनके पास दो उपाय है, या तो दूसरे बायर ढूंढेंगे उसको बेच देंगे अपना शेयर, क्योंकि इसने शेयर खरीद रखा है, याद रखना इसने शेयर ले रखा है, तो वो शेयर कुछ सामने वाले को बेच देंगे, या फिर एक काम करेगा इस कंपनी का आईपीओ अरेंज करा देगा, इस कंपनी को कोशिश करेगा कि एक प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करा दे एनएससी बीएससी पे, ठीक है? अब ये जब क्योंकि आईपीओ के लिए भी बहुत सारे चीजों को अरेंज करना होता है, तो वेंचर कैपिटल के पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, वो मुझे हेल्प करेगा किस चीज में, हमारे कंपनी का आईपीओ लाने के लिए। तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होंगे उसमें और फंड रेज करेंगे जब हम लोग, तो उसी टाइम ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये अपना शेयर बेच देंगे सामने वाले दूसरे इन्वेस्टर को, और ये एग्जिट कर जाएगा। तो एग्जिट करने के लिए ये आईपीओ को और आईपीओ लाने के लिए मुझे हेल्प करेगा, तो ये भी एक फायदा हुआ वेंचर कैपिटलिस्ट को लाने के लिए। कैसे देखो वेंचर कैपिटलिस्ट है तो वो मुझे आईपीओ में हेल्प कर दिया, ठीक है? या ट्रेड सेल में भी इसको हेल्प करता है, ट्रेड सेल बोलोगे क्या, ये देखो दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल, यानी कि जो वही अपना बिजनेस जो है ना वो बिजनेस को बेचने के लिए एक फैसिलिटेट करेगा, यानी कि बायर ढूंढेगा, तो हम कह सकते हैं हो सकता है और भी आपको जरूरत पड़े तो आप भी अपना बेच सकते हो। जैसे मान लीजिए ये एक इन्वेस्टर है, आप ये इन्वेस्टर जो है ये आप जो हो, आपको भी मान लीजिए कुछ होल्डिंग बेचना, आपको लगता है थोड़ा सा पैसे हम कम करते किसी और बिजनेस में और लगाते हैं, तो उसी बहाने आपको भी बायर मिल जाएंगे, वो जो ट्रेड सेल को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उसमें आपका भी फायदा हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये दो चीजों को डील करना है लास्ट में, ये दोनों एग्जिट प्लान टाइप का हो जाएगा कि ये प्रिपेयर करेगा वेंचर कैपिटल मुझे आईपीओ के लिए हेल्प कर देंगे, और ट्रेड सेल में भी वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो
ये जो हमने पढ़ा है वो एडवांटेज है किस चीज का, वेंचर कैपिटल को अपने कंपनी में लाने का है। रिपीट करिए एक बार क्या क्या हो गया, चलिए देखते हैं कि मुझे याद हो या नहीं हुआ, आपको याद होता है नहीं होता है, याद करना ही बड़ी चीज है। हम क्या बोलेंगे देखिए कि लॉन्ग टर्म का फंड करेगा, लॉन्ग टर्म की फंडिंग करते हैं ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म की फंडिंग देते हैं जो कि हमारे कंपनी के लिए सॉलिड कैपिटल होते हैं। ये एक पहला बेनिफिट है वेंचर कैपिटलिस्ट का। दूसरा दूसरा ये हो गया कि ये हमारा रिस्क शेयर करता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड शेयर करता है, ये हमारा एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा ये एक्सपीरियंस है, हमारे को एडवाइस देता है, असिस्ट करता है, वो अपने सिमिलर बिजनेस के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है, वो भी एक फायदा हो गया। चौथा इसके पास एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को यूज करेगा तो हमारे को एक वैल्यू एडिशन होगा, चौथा पॉइंट भी आ गया। पांचवा पांचवा यह है कि अगर मुझे फर्दर फंड रेज करना है तो फर्दर फंड रेज करने के लिए भी हेल्प करेगा, यानी कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में, यानी कि नेक्स्ट राउंड के फंडिंग के लिए भी हेल्प हो जाएगा। पांच तो हो गए। छठा अब सिक्स्थ ये आ गए कि आईपीओ के लिए हेल्प करेगा, सातवा ट्रेड सेल के लिए हेल्प करेंगे। देखो सात के सात पॉइंट याद हो गए, कौन सी बड़ी बात है, याद करेंगे इसको रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइंड में जाके सेट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, याद रखना यहां बात हो रही है फंड की, म्यूचुअल फंड के जैसे। वेंचर कैपिटल फंड का क्या स्ट्रक्चर है इंडिया में, ओके, यानी कि वेंचर कैपिटल फंड जो है, जैसे म्यूचुअल फंड फंड पूल करता है, वैसे ही वेंचर कैपिटल जो है वो दो तरीके से फंड रेज करता है। बोलोगे कैसे, ध्यान से देखिए, एक डोमेस्टिक हो गया, एक हमारा ऑफशोर फंड हो गया। वेंचर कैपिटल का डोमेस्टिक फंड, ठीक है जी, यानी कि ये एक वेंचर कैपिटल फंड है, डोमेस्टिक इंडियन फंड है ये, तो पब्लिक से फंड रेज करता है, डोमेस्टिक पब्लिक से फंड रेज करता है, ठीक है जी, और ये क्या करते हैं स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं। ये एक डोमेस्टिक फंड हो गया, ये एक स्ट्रक्चर है, वेंचर कैपिटल फंड का स्ट्रक्चर एक ढांचा है, ढांचा तो समझते हो ना, ठीक है, एक शेप है। कैसा शेप है वेंचर कैपिटल फंड का, कि एक डोमेस्टिक हो सकता है, एक हमारा ऑफशोर हो सकता है, ठीक है। तब देखिए इसमें क्या कह रहे, ध्यान से देखिए, एक कह रहे कि स्ट्रक्चर के हमारे पास एक डोमेस्टिक फंड हो सकते हैं, एक ऑफशोर फंड हो सकते हैं। ऑफशोर का मतलब इंटरनेशनल फंड, ऑफशोर, शोर का मतलब सी, ऑफशोर यानी कि उसके आसपास का लैंड, यानी कि सिंपली ऐसे समझ जाओ इंटरनेशनल फंड है। यानी कि जो वेंचर कैपिटल फंड है वो दो तरह का हो सकता है, एक इंडिया में ही अपना एक ट्रस्ट या कंपनी बना लिया, याद रखना ये जो अपने डोमेस्टिक बोला है ना, ये दो ही हो सकता है। इंडिया का जो म्यूचुअल, जैसे हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड सिर्फ ट्रस्ट हो सकता है इंडिया में, वैसे ही ये जो वेंचर कैपिटल फंड है वो ट्रस्ट भी हो सकता है और या तो फिर कंपनी भी हो सकता है, कोई तीसरा नहीं होगा यहां पे। बोलोगे कैसे, कहां लिखा है ये दिखाओ, आइए देखिए क्या कहते हैं। डोमेस्टिक फंड व्हिच रेज फंड डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली ही वो फंड रेज करता है, आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज ए डोमेस्टिक व्हीकल। जैसे आप लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन में पढ़ा है, सिक्योरिटाइजेशन में आपने पढ़ा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल, फंड का मतलब हम ये समझते हैं क्योंकि गाड़ी, तो वैसे यहाँ पे व्हीकल वर्ड जो यूज होता है ना, जो फंड को पूल करता है उसी को हम लोग बोल देते हैं व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं कि डोमेस्टिक व्हीकल, वही जो ये एंटिटी है इसको बोलते हैं डोमेस्टिक व्हीकल, ठीक है। क्या कहता है देखो, डोमेस्टिक व्हीकल फॉर द पूलिंग ऑफ फंड, पूल करने का मतलब बहुत सारे लोगों का फंड कलेक्टर कलेक्शन करना, इसको पूलिंग ऑफ फंड कहते हैं, पूलिंग ऑफ फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर, ठीक है। आगे देखिए, अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट कैरीज दोज ड्यूटी ऑफ एसेट्स मैनेजर। अब मुझे बताओ इस फंड को एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे म्यूचुअल फंड होता था तो एएमसी अपॉइंट करता है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो कि एडवाइजरी सर्विसेज देता है, तो ये भी तो एक फंड है, एक ट्रस्ट है,
एक कंपनी है। तो अब आप मुझे बताओ, ट्रस्ट और कंपनी को एक एडवाइजर भी तो अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो वो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक फंड आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज डोमेस्टिक व्हीकल एंड अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट कैरीज दो ड्यूटी ऑफ एसेट्स मैनेजर। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, द चॉइस ऑफ एंटिटी, कौन सी एंटिटी, ये एंटिटी की बात हो रही है, ये एंटिटी के चॉइस है आपके पास, ये जो एंटिटी बनेंगे इसके पास आपके पास चॉइस है। एंटिटी फॉर पूलिंग व्हीकल्स फॉल्स बिटवीन अ ट्रस्ट एंड ए कंपनी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो व्हीकल, ये जो आपका पूलिंग व्हीकल है, जो फंड रेज करेगा, उसके पास दो ही चॉइस है, या तो कंपनी होगा या तो वो ट्रस्ट होगा। ठीक है, अब आइए आगे। फिर उसने ये बताया कि इंडिया में देखो, अनलाइक मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरे कंट्री में, अनलाइक मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीज डज नॉट रिकॉग्नाइज अ लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में बस दो ही अलाउड है, ट्रस्ट एंड कंपनी। तो बस ये हो गया हमारे लिए डोमेस्टिक फंड, ये स्ट्रक्चर है। ऑफशोर फंड पे चलेंगे अगर हम लोग, तो ऑफशोर फंड का मतलब इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड में दो तरह का हो सकता है, यानी कि ऑफशोर फंड में क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए। बाहर का ये एक वेंचर कैपिटल फंड है, बाहर के है ये, यानी कि ये एंटिटी जो है कहाँ का है, आउटसाइड का एंटिटी है। तो आउटसाइड का एंटिटी है, तो जो पब्लिक से पैसे ये फंड रेज करेंगे, ये कौन सी करेंसी में फंड रेज करेगा बताओ? फॉरेन इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करेगा और ये इंडिया के स्टार्टअप में जाके पैसे लगाएगा। ध्यान से सुनिए, लगाना तो स्टार्टअप में ही है इसको पैसे। तो ये जो ऑफशोर फंड है, वो ऑफशोर फंड कहाँ पैसे लगाएगा, इंडिया के स्टार्टअप में। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, देखिए, जब ये इंडिया में आके फंड लगाएंगे तो इसको भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो रखने पड़ेंगे ना। तो देखो, ऑफशोर फंड में भी दो तरह का स्ट्रक्चर मिल गया आपको। ऑफशोर फंड में दो है, एक कहते हैं देखो ऑफशोर स्ट्रक्चर और एक कहता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। इनको भी थोड़ा सा समझ लेते, देखिए क्या कह रहे, टू कॉमन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑफशोर इन्वेस्टर्स आर ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ, देखिए किसकी बात कर रही है, ऑफशोर इन्वेस्टर, बाहर के जो इन्वेस्टर है उनके पास दो चॉइस है। ऑफशोर फंड के अंदर दो चॉइस है, ऑफशोर स्ट्रक्चर, ठीक है, और उनके पास एक है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। दो चॉइस है फॉरेन के इन्वेस्टर के पास। हम ऑफशोर स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, अंडर दिस स्ट्रक्चर अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल वही वेंचर कैपिटल फंड की जो बात हो रही है, ये यही है व्हीकल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल यही हो गया। ये कह रहे इन्वेस्टमेंट व्हीकल एन LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकता है या लिमिटेड पार्टनर्स भी हो सकता है। यही चीज वहां पे लिखा था कि इंडिया में सिर्फ दो हो सकता है, ट्रस्ट या कंपनी, लेकिन जो ऑफशोर फंड होंगे वो LLC भी हो सकता है, LP भी हो सकता है। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इस पे क्या कहता है, देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है मेक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज। अब है तो वेंचर कैपिटल, तो स्टार्टअप की ही बात करेंगे। वैसे स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि अभी शुरुआत करेंगे, शुरुआत के लिए सीड कैपिटल होता है, 1 साल 2 साल बीत गए तब भी फंडिंग कराना है, वेंचर कैपिटल ही होता है, क्योंकि रिस्की रिस्की बिजनेस के लिए आप फंड कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टली इंडिया में आके वो पैसे लगा देता है। टिपिकली द एसेट्स आर मैनेज्ड बाय ऑफशोर मैनेजर, ठीक है, व्हाइल द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया कैरीज आउट द ड्यू डिलीजेंस एंड आइडेंटिफाइज डील्स। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं ऑफशोर फंड जो है, ये ऑफशोर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ऑफशोर स्ट्रक्चर, इंडिया के स्टार्टअप में पैसे लगाएंगे तो फंड कौन मैनेज करेगा बताओ भाई, इसका ऑफशोर मैनेजर ही तो इसको फंड मैनेज करेंगे। सोचो, ऑफशोर, मैंने SH होगा जी, बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे कह रहे कि ऑफशोर जो फंड
फंड का मैनेजर होगा वही क्या करेगा, फंड मैनेज करेंगे। मतलब क्या हुआ, जो बाहर वाले फंड है उसी का मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे। लेकिन ड्यू डेलिजेंस मतलब क्या हुआ, जिसको आप पैसे लगा रहे हो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है नहीं है। ड्यू डेलिजेंस का मतलब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना, जेन्यूननेस को कन्फर्म करना, इसको कहते हैं ड्यू डेलिजेंस। तो ड्यू डेलिजेंस कौन करेगा, उसने बोला कि वो तो देखो इंडियन का जो फंड मैनेजर है वो करेगा, एडवाइजर वगैरह, यही चीज बोला है। देखो टिपिकली द एसेट्स आर मैनेज बाय ऑफशोर मैनेजर, ऑफशोर मैनेजर क्या करेगा, फंड मैनेज करेंगे, व्हाइल द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो ड्यू डेलिजेंस करके डील को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, ये तो रहा ऑफशोर स्ट्रक्चर की बात। अब यहां पे बात करते हैं यूनिफाइड स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है। देखिए यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, ये किसके लिए है, इन्वेस्टर फॉरेन वाले ही है उसके लिए। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में कैसे पैसे लगाता है, देखिए व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर इज यूज्ड। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा आप, सबसे पहला लाइन पढ़िए, टू कॉमन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑफशोर इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर के पास दो चॉइस है। और अब कहता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन फंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर इज यूज्ड। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, मतलब क्या हुआ, देखो बोला क्या गया था यूनिफाइड स्ट्रक्चर में, ये है यूएसए का पार्टी, ठीक है जी, वो यूएसए का बंदा जो है वो पैसे लगाना चाह रहा है, एक फंड आ गए, कौन फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये भी इसको पैसे देता तो फिर कुछ लोग बोलते ऑफशोर स्ट्रक्चर हो तो गए, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ऑफशोर स्ट्रक्चर, फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन फंड को पैसे देते, फंड मतलब म्यूचुअल फंड के जैसे वेंचर कैपिटल फंड, और ये वेंचर कैपिटल फंड कहाँ लगाएगा, फिर इंडिया के स्टार्टअप में यानी कि ग्रोइंग कंपनी में पैसे लगाएगा। तो फिर ये क्या बोल दिया यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या बोल रहा है, व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन फंड अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर इज यूज्ड। यूनिफाइड, यूनिफाइड का मतलब समझते हो, सिंगल, एक ही फंड है जो सबसे पैसे लेता है। मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे सिंपली समझिए, हमने अभी बोला था कि एक डोमेस्टिक फंड है, डोमेस्टिक फंड में क्या हो रहा था बताइए, ये इंडियंस जो था ये कौन था बताइए, इंडियंस, इंडियन ने उस फंड को पैसे दिया और वो फिर स्टार्टअप में पैसे लगाए। मैं ऑफशोर फंड के अंदर एक ऐसा यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी फंड लगाएगा और फॉरेन वाले भी फंड लगाएगा। वाह, इसका मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक फंड और ऑफशोर स्ट्रक्चर्ड फंड जो है इन दोनों का मिक्सचर हो गया यूनिफाइड स्ट्रक्चर। मतलब ये जो वेंचर कैपिटल फंड है वो यूनिफाइड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यूनिफाइड स्ट्रक्चर अगर होगा तो इसमें इंडियन भी अलाउड होगा, यानी कि इंडियन भी इस फंड को पैसे दे सकता है, ये कहना चाह रहा है कौन, यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ध्यान से पढ़िए, फिर से मैं रिपीट करके, मैं यहां से पढ़ के आपको वेरीफाई कराया, तो देखिए क्या कह रहे, कहते कि ऑफशोर इन्वेस्टर्स आर टू चॉइस, फॉरेन इन्वेस्टर के पास दो चॉइस है, इसका मतलब ये यूनिफाइड भी फॉरेन इन्वेस्टर का चॉइस है। तो फिर यूनिफाइड वर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि क्या बोलता है, अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो यूनिफाइड स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल हो गया कि जो वेंचर कैपिटल फंड फॉरेन इन्वेस्टर का भी पैसे एक्सेप्ट करे और इंडियन का भी पैसे एक्सेप्ट करे तो वो जो ऑफशोर फंड है वो यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल, चलिए आगे बढ़ते, अब क्या कह रहा है देखिए यहां पे, व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पास, सॉरी, ओवरसीज इन्वेस्टर यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर पूल देयर एसेट्स इन एन ऑफशोर व्हीकल दैट इन्वेस्ट इन ए लोकली मैनेज्ड ट्रस्ट, वेयर एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट, दिस इज लेटर डिवाइस यूज टू मेक द लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
यानी कि बस सिंपल ये बोल दिया कि चाहे वो फॉरेन वाले हो चाहे वो इंडियन हो, दोनों एक फंड को पैसे देंगे। ये ओवरसीज है तो ऑफशोर फंड, लेकिन इंडियन भी इसमें लगा सकते, इसलिए इसको यूनिफाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर पैसे जब लगाए गए स्टार्टअप में तो वो तो लोकली लगाए गए, जैसे आपने वहां पे बोला कि इंडियन फंड मैनेजर इसको मैनेज करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ये क्या था? ये था वेंचर कैपिटल फंड का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर। डोमेस्टिक फंड हो सकता है, ऑफशोर फंड हो सकता है। ऑफशोर फंड में दो हो सकता है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो सकता है या ऑफशोर स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ फॉरेन वाले ही पैसे लगाते हैं। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंडियन इन्वेस्टर भी पैसे लगा सकते, फॉरेन भी लगा सकते। अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि स्टार्टअप में हमें पैसे लगाना है। अब हम लोग चलते हैं स्टेज ऑफ फंडिंग में। स्टेज ऑफ फंडिंग क्या है देखते हैं। वेंचर कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में फंडिंग करता है, याद रखिएगा। हमने जैसे बोला था, एक काम करते, ये जो अभी हमने लिखा है ना, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि हमारे को स्पेस बच जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, आइए वापस, चलो काम चल जाएगा इतने से हमारा। आइएगा वापस, स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। हमने बोला था ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में फंड की जरूरत हो सकता है। आप मुझे बताओ, एक आपके पास आइडिया है, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, एक ही बार में सारे पैसे की जरूरत पड़ेंगे? नहीं। एक तो सबसे पहले दिमाग में जो आइडिया आया है ना, उस आइडिया को लोगों तक प्रेजेंट करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने क्या बोला, ध्यान से देखो, एक पिच प्रेजेंटेशन की बात किया था। पिच प्रेजेंटेशन में एक पावर पॉइंट छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जहाँ पे मैं इन्वेस्टर के पास पहुँचता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या अभी फंड रेज हुआ है? कहाँ हुआ है फंड रेज, सोच के देखो। फंड रेज अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तो आप प्रेजेंटेशन लेके गए हो इन्वेस्टर के पास, अभी फंड आया कहाँ है? अब सोचो थोड़ा ध्यान से, उस इन्वेस्टर को एक जगह गैदर करना है आपको, उन लोगों को थोड़ा सा चाय पानी तो पिलाना ही पड़ेगा, एक स्पेस तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। उस स्पेस पे गए, लोगों को बुलाया, आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोजेक्टर वगैरह हायर करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास पहले से है नहीं, रेंट पे प्रोजेक्टर लेने पड़ेंगे। बनाने के लिए हो सकता है इनिशियली जो हम टीम बैठ रहे हैं, हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन के लिए एक इनिशियल लेवल के ऑपरेशनल कॉस्ट आता है। तो बताओ, ये फंडिंग तो हो चुका होगा आपका, अभी तो इन्वेस्टर से फंड भी रेज नहीं हुआ, उससे पहले भी फंडिंग हो चुका है, क्योंकि जब तक इतना भी खर्चा करने के लिए पैसे नहीं आए, तो आपने कैसे यहाँ तक इन्वेस्टर तक पहुंचे, बताइए। एक बहुत ही लो लेवल की फंडिंग, स्टार्टिंग का फंडिंग हो सकता है वो हमने खुद से किया हो, पर्सनल फाइनेंसिंग भी हो सकता है, या हो सकता है ये हमने दोस्त वगैरह या टीम मेंबर से भी ले रखा हो, या ऐसा भी हो सकता है इस इनिशियल लेवल का भी फंडिंग हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से भी ले लिया। सोचिए, इनिशियल लेवल का फंडिंग मैं खुद भी कर सकता हूं, या हो सकता है इनिशियल लेवल का भी फंडिंग वेंचर कैपिटल से ही करा ले हम। इसका मतलब वेंचर कैपिटल के स्टेज ऑफ फंडिंग जो है बहुत सारे, सीड मनी बहुत बेसिक लेवल का, जैसे देखते हो ना कोई सामान, कोई कोई प्रोडक्ट, जैसे जमीन पे आप जाते हो, कोई जैसे गेहूं, किसी चीज को अगर उगाना हो जमीन पे तो पहले बीज डाला जाता है, सीड है ना। तो आप वो एकदम बेसिक लेवल का, आप मुझे बताओ फसल होगा नहीं होगा, उसको फर्टिलाइजर देना है, कल के डेट पे हमारे को पानी सिंचाई वगैरह की जरूरत पड़ेंगे, वो तो बाद की फंडिंग है, पहले बीज तो आ जाए। सीड जैसे हमने बोला, फंडिंग तो आएगा लेकिन पहले तो हमारा स्टार्ट तो हो जाए, प्रेजेंटेशन तक के तो हम पहुंच तो जाए। सीड मनी ये जो है बहुत ही लो लेवल का फाइनेंस है, नीड टू प्रूव एन आइडिया, हम अपने आइडिया को प्रूव करने के लिए भी हमारे को पैसे की जरूरत पड़ेगा। ये सीड मनी पहला स्टेज है फंडिंग का। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता दूं आपको, जैसे एक बार क्वेश्चन इस पे शायद आ चुका है स्टेज ऑफ फंडिंग में, ऊपर में पढ़ता हूँ क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन शायद यहाँ था, देखिए, वेरियस स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग, ये नवंबर 2018 के एमटीपी में आ रखा है, उसी स्टेज की हम बात कर रहे हैं। वेरियस स्टेज क्या है, तो पहला स्टेज है सीड मनी, लो लेवल की फंडिंग है, बेसिक आइडिया को बस प्रूफ करने के लिए कि हाँ मेरे पास आइडिया है। देखो मैं बता दूँ, स्टडी मैट में इस टॉपिक को कैसे लिखा है इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक को, ये जो पोर्शन है ना, इसको एक पॉइंट पे लिखा है,
और बाकी इसको ना एक टेबल में डाल के लिखा है। ये भी जानना जरूरी कि स्टडी मैट में कैसे लिखा है इसने। इस सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है, और जो मैंने आपको एमटीपी अभी दिखाया है उस एमटीपी के अंदर जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दिया है, सुनिएगा, ये जो एमटीपी में सॉल्यूशन दिया था इंस्टीट्यूट ने कि स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल फंड का, तो उसमें आंसर जो दिया है ना इंस्टीट्यूट ने, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है। आप भी इतना याद करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम और रिस्क अगर लगे तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ये भी याद हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ याद करने का उसका भी टेक्निक, हो जाएगा, याद रह जाए ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना तो याद कर लेना। स्टेज ऑफ फंडिंग में सबसे पहला हम क्या बोलेंगे, सीड मनी, बेसिक लो लेवल की। उसके बाद क्या होता है, देखो अब स्टार्टअप की फंडिंग होगा। अब हमारा एक बेसिक लेवल की जब फंडिंग हो गया आइडिया को प्रूव करने के लिए, तो अब स्टार्टअप करने जा रहा है, उस टाइम भी अब पैसे की जरूरत पड़ेंगे। अर्ली स्टेज फॉर्म दैट नीड फंडिंग फॉर एक्सपेंसेज एसोसिएटेड विथ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ऐसा एक्सपेंस जो मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि अब आपको स्टार्टअप करने जा रहे हो तो पहले से थोड़ा सा आपको मार्केटिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, उन लेवल की जो फंडिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्टअप। तो दो फंडिंग आ चुका है। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेज यानी कि फर्स्ट राउंड का फंडिंग होगा, उस फंडिंग में अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये यही पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज के फंडिंग में क्या किया जाता है। फर्स्ट स्टेज के फंडिंग में सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का फंडिंग किया जाता है। अर्ली सेल्स, फर्स्ट टाइम का सेल जो करेंगे, मैन्युफैक्चर करके जो सेल करेंगे, अर्ली मैन्युफैक्चर एंड अर्ली सेल, उसके लिए फंडिंग जो होगा वो फर्स्ट स्टेज का फंडिंग है। सेकेंड स्टेज का फंडिंग क्या है, देखो वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज, यही याद रख के पॉइंट वगैरह रट्टा लगा के जाने पड़ेंगे। वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज, फर्स्ट स्टेप में क्या था, देखो अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, यहां वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट एट टर्निंग इन ए प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट में नहीं आया लेकिन सेल चल रहा है, तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करना है, आपको फंडिंग करना है। क्योंकि होता है क्या है, देखो जब आपका सेल शुरू हो चुका है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट खरीद रहे होगे, सेल कर रहे होगे, तो उस केस में अब वर्किंग कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगा अब आपका। तो वर्किंग कैपिटल जो बढ़ेंगे, क्योंकि उधार बेचोगे, डेटर बढ़ा, अकाउंट रिसिवेबल बढ़ा, हो सकता है उधार आपको कम देता हो, वेंडर जो है कम देता है, तो करंट लाइबिलिटी कम हो गया, करंट एसेट्स बढ़ता गया, तो ये जो वर्किंग कैपिटल का फंडिंग होगा ना, अर्ली स्टेज का वर्किंग कैपिटल का फंडिंग, वो सेकेंड राउंड का फंडिंग है, सेकेंड राउंड का फंडिंग वर्किंग कैपिटल का। थर्ड राउंड का कैपिटल देखते हैं कि ये क्या है, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, मेजा नाइन फाइनेंसिंग, ऑल्सो कॉल्ड मेजा नाइन फाइनेंसिंग, यानी कि जो आपका थर्ड स्टेज का फाइनेंसिंग है उसको मेजा नाइन फाइनेंसिंग बोलते हैं। ये खास करके एक्सपेंशन के लिए जरूरत होता है, ठीक है, यानी कि अब हम थोड़ा सा स्केल बढ़ा रहे हैं, दिस इज एक्सपेंशन मनी फॉर अ न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। अब आप प्रॉफिटेबल में जा चुके हो, याद रखना अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुका है, अब वो एक्सपेंशन कर रहा है। प्रॉफिट में कब आए हो, ध्यान से देखो, सेकेंड स्टेज तक आप प्रॉफिट में नहीं थे, सेकेंड स्टेज तक प्रॉफिट में नहीं थे, नॉट एट टर्निंग इन ए प्रॉफिट, ठीक है, अब प्रॉफिट में आ चुके हो, अब थर्ड स्टेज का राउंडिंग में अब फंड रेज कर रहे हो, अब प्रॉफिट में आ चुके हो, तो एक्सपेंशन करोगे, ये कौन सी स्टेज है बताओ, थर्ड स्टेज। अब आते हैं फोर्थ स्टेज में, फोर्थ स्टेज कहते हैं कॉल्ड ब्रिज फाइनेंस। अब मुझे बताओ ये ब्रिज फाइनेंस क्या हुआ, हमने थोड़ा सा उधर भी बात किया था, क्या कहते हैं स्टार्टअप फाइनेंस में, नहीं एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में, ब्रिज फाइनेंस बहुत आसान, क्या होता है ब्रिज बताइए, मैंने वहां बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं आज यहां खड़ा हूं, ये हमारा आज का डेट है, मुझे बैंक से लोन आ जाएगा, मान लीजिए 1 महीने बाद हमारे को लोन मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद तो लोन हमारे पास आ जाएंगे, मैं आज यहां पे खड़ा हूं, मुझे अब बताइए आज मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन बैंक वाले मुझे पैसे कब देंगे, 1 महीने के बाद लोन देगा, बोलो 1 महीने बाद क्यों, अरे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे ना, डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ेंगे, जो जो चीज़ उसका रिक्वायरमेंट है, कहते इतना 3 साल का प्रोजेक्ट बनाइए, ये करिए वो करिए, बैंक लोन देने में मान लीजिए टाइम लगाते, जैसे आप देखो ना आप कार खरीदने जाइए, आज आप मूड बनाओ कार खरीदने का, हो सकता है फाइनेंस करने में आपको 5 1 हफ्ते लग जाए, तो 1 हफ्ते का जो टाइम गैप है
अब उस टाइम के आपको क्या करोगे, या तो एक हफ्ते तक इंतजार करो। अब मान लीजिए आपको लगता है नहीं कार तो मुझे आज ही खरीदना है, तो क्या करोगे बताओ? तो आज ही पैसे ले लोगे सर। तो अब आज कैसे पैसे लोगे, बैंक वाले तो एक हफ्ते का टाइम लगा रहे हैं। वही सेम चीज यहां कहना चाह रहा हूं कि बैंक जो है मुझे लोन देगा, कब देगा? 1 महीने बाद। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस में टाइम लगेंगे। तो ये देखो, ये जो 1 महीने का ये जो खाली टाइम है, इसमें एक ब्रिज बनाइए। इसके लिए एक छोटा सा लोन ले लो, टेम्पररी लोन फॉर 1 मंथ, ताकि जब ये बैंक लोन आएगा तो इसको रिपे कर देना। तो ये 1 मंथ का जो टेम्पररी लोन है ना, इसको ब्रिज फाइनेंस कहते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है, देखिए ये फोर्थ स्टेज का जो फंडिंग है ना, कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग है। इट इज इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक, फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, हम पब्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं, पब्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने ब्रिज लोन की बात करा था, यहाँ ब्रिज लोन नहीं है, ब्रिज फाइनेंसिंग है, ये चीज ध्यान रखना। मैं ब्रिज लोन बोलूंगा तो अगले लोन के लिए एक लोन लेना, यहाँ ब्रिज लोन नहीं ले रहे। अभी जो हम कह रहे हैं, हमारे को पब्लिक ऑफर में आ रहे हैं, हम आईपीओ में अब आ रहे हैं। अब आईपीओ में आएंगे तो फंड तो हमारे पास आ ही जाएगा, लेकिन उस आईपीओ के लिए भी एक छोटा सा फंडिंग चाहिए, ठीक है? तो बस सिंपल ये कहना है कि ऑन गोइंग फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस। पब्लिक प्रोसेस में हम जा रहे हैं, आईपीओ में आ रहे हैं, आईपीओ को फाइनेंस करने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है? यानी कि 1 महीने बाद आईपीओ आएगा। अब उस आईपीओ के लिए भी तो एक फंडिंग चाहिए, वो लास्ट स्टेज का फोर्थ राउंड का फंडिंग है। करेगा कौन? वेंचर कैपिटल, जिसके पास 1 महीने में जो होगा वो पैसे आ जाएगा वापस। यानी कि ये बहुत शॉर्ट टर्म का फंडिंग हुआ, कौन? ब्रिज फाइनेंसिंग। देखते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग यहाँ पे कितने दिन का फंडिंग है। फोर्थ स्टेज का फंडिंग कहते हैं, देखो इसका जो पीरियड है ना, पीरियड यानी कि लॉक इन पीरियड कितने दिन का है। लो यहाँ पे तो ब्रिज फाइनेंसिंग में भी बोला कि 1 से 3 साल होगा। इसका मतलब मैंने जो आपको एग्जाम्पल लिया था, वो तो बैंक लोन के प्रोसेस की बात हो रही थी कि 1 महीने में लग जाएगा। मैंने जो इनिशियली एग्जाम्पल लिया था और 1 महीने जो बोला था, वो इसलिए क्योंकि बैंक से लोन लाने में बस प्रोसेस ही तो फुलफिल करना है, लेकिन आईपीओ लाने में लोगों को एक एक दो दो साल लग जाता है, याद रखिएगा। आईपीओ लेके आने में, जैसे आप अगर अभी देखते हो तो एनएससी का आईपीओ सोचिए, एनएससी का आईपीओ आज से 1 साल पहले अनाउंसमेंट हो चुका था कि आईपीओ आने वाला है, लेकिन अब तक प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आईपीओ अगर हमें टाइम लगता है, तो मैंने 1 मंथ लिखा था, अब मैं इसको लिखता हूँ कि नहीं, आईपीओ लाने में 1 साल लगेगा। अब उसको प्रोसेस में जा रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे फुलफिल करना है क्राइटेरिया, उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। तो हमने लोन नहीं लिया, एक ब्रिज तो बनाया, लेकिन ये ब्रिज फाइनेंस किया मैंने कहाँ से? वेंचर कैपिटलिस्ट से ही कराया। तो ये फोर्थ स्टेज का हमारा फंडिंग हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को याद हो गया होगा। फिर से एक बार मैं बिना देखे, मैं जैसे मेरे को जितना याद हुआ है मैं रिपीट करता हूँ, मेरे साथ आप भी रिपीट करिए, देखते हैं हमारा याददाश्त कितना तेज है, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो आप ही के साथ मैंने भी पढ़ा है, मेरे को याद हुआ है नहीं हुआ, देखते। एक सीड बनी, बेसिक लो लेवल का फंडिंग जो एक आइडिया को प्रूफ करने के लिए जरूरत है। सेकंड, स्टार्टअप, यहां की फंडिंग जो है ये इनिशियल मार्केटिंग की जरूरत है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दूसरा, तीसरा, अब देखते भी जाइए, मैच करते जाइए कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखो स्टार्टअप के लिए मैंने बोला है स्टेज का फंडिंग मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? बस यही तो याद रखना है। अब दो हो गए, तब फर्स्ट राउंड का फंडिंग। फर्स्ट राउंड के फंडिंग में क्या बोला है, फर्स्ट राउंड के फंडिंग तक प्रॉफिट में नहीं आए, सेकेंड राउंड के फंडिंग में प्रॉफिट आ चुका है, याद रखना। तो फर्स्ट राउंड के प्रॉफिट में क्या कहते हैं कि अर्ली स्टेज का सेल को फाइनेंस करते और मैन्युफैक्चर को, अर्ली स्टेज का सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की फंडिंग जो है फर्स्ट राउंड का है। सेकेंड राउंड में क्या कह रहा है, सेकेंड राउंड में कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल तो नहीं हुआ है, ये देखो वर्किंग कैपिटल के लिए, ये देखो अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चर, ये जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज तक हम प्रॉफिट में नहीं आए, अर्ली स्टेज का वर्किंग कैपिटल का फंडिंग, अर्ली स्टेज का वर्किंग कैपिटल का फंडिंग, सेकेंड स्टेज नॉट प्रॉफिटेबल, थर्ड स्टेप में जाके प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। और जब थर्ड स्टेज में प्रॉफिटेबल हो गए तो एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है? तो थर्ड स्टेज एक्सपेंशन हो गया, और चौथा स्टेज जो हो गया हमारे लिए वो आईपीओ का फंडिंग, जो ब्रिज फाइनेंसिंग हो गए। यानी कि इतने स्टेज में क्या करना है हमें,
फंडिंग करना है। अब टाइम गैप याद रखने की बात है, सोचो टाइम गैप कैसे, एक टाइमलाइन बना के ना याद रख सकते हो आप लोग अगर याद रखना चाहो तो। बोलोगे कैसे, देखो ऑड और इवन नंबर पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5, 7, 9 एंड 10। मुझे नहीं लगता इसको लिखने में कोई दिक्कत है, ठीक है ऑड नंबर लिख लीजिए, लास्ट में 10 पे जाके खत्म करना है क्योंकि मैक्सिमम वेंचर कैपिटल के जो फंडिंग होते हैं 10 साल तक के लिए होता है, इसलिए 10 पे हमारा खत्म कर लेना है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे याद रखो 9 ईयर टू 10 ईयर तक, सॉरी ऐसे याद रखना, एक बंडल बनाओ एक स्टेज के लिए 7 से 10, दूसरा स्टेज के लिए 5 से 9, तीसरा स्टेज के लिए 3 से 7। देखो याद रखना आसान हो गया। अब सोचो 7 टू 10 ईयर का फंडिंग बहुत लंबा लॉक इन पीरियड हुआ, कौन सी केस में इतना लंबा की जरूरत है बताओ, क्या आईपीओ के लिए कोई फंडिंग कर रहा है फोर्थ स्टेज में उसको 10 साल तक रखना पड़ेगा? नहीं, बहुत छोटे टाइम पीरियड का है। इसका मतलब 7 से जो 10 साल का फंडिंग है वो सीड मनी, सीड मनी स्टार्टिंग का। उसके अगला में क्या आया था, स्टार्टअप। स्टार्टअप में हमने क्या किया था कि जो अर्ली स्टेज का जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग का एक्सपेंसेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस के लिए स्टार्टअप किया था वो हमारा स्टार्टअप इसमें आ गया सेकेंड, जो कि 5 से 9 पे आ गया। देखो मैं मैच करा देता हूँ, देखो 7 से 10 में सीड मनी, 5 से 9 पे स्टार्टअप, ठीक है ये देखो 5 से 9 स्टार्टअप। अब आइए उसके अगला जो था फर्स्ट राउंड का, फर्स्ट राउंड में क्या किया था, अर्ली स्टेज का सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, अर्ली स्टेज का सेल्स एंड मैन्युफैक्चर जो था वो 3 से 7 में होंगे, ये फर्स्ट स्टेज का फंडिंग हो गया। अब कौन बचा, सेकेंड स्टेज जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए, थर्ड स्टेप जो कि एक्सपेंशन के लिए, फोर्थ स्टेप जो कि हमारा क्या कहते हैं आईपीओ के लिए। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट स्टेज तक तो आ चुके, अब सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रह गया, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए देखो 3 रह गया ना, अब टोटल 6 है हमारे पास। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, 3 तो हो गए हमारे, 3 हो गए, ठीक है अब 3 लेते, 3 के लिए क्या होगा देखो। अब मुझे बताओ एक कौन सी है, एक प्रॉफिटेबल बन चुके, एक एक्सपेंशन के लिए आ चुका है, ठीक है एक एक्सपेंशन, एक हमारा क्या कहते हैं एक्सपेंशन, एक हो गया आईपीओ, नहीं 3 होगा ना फर्स्ट स्टेज में तो, अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं बने ना अभी तो, अर्ली स्टेज का फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज अभी वर्किंग कैपिटल करना बाकी था। वर्किंग कैपिटल के लिए देखो 3 से 5 और 1 से 3, ये बच गया ना आपका 3 से 5 और 1 के 3, ये देखो ये जो 3 से 7 लिया था ना इसी 3 से 5 एक ले लीजिए और 1 टू 3 जो होगा ना वो 2 आ जाएगा, ठीक है तो याद रखना हो जाएगा। अब देखो कैसे फर्स्ट स्टेज तक यहाँ आ गए, सेकेंड स्टेज ये हो गए, थर्ड और फोर्थ स्टेज दोनों जो है ना, थर्ड एंड फोर्थ दोनों के लिए हमारे जो है 1 से 3 साल है, यानी कि एक्सपेंशन के लिए भी 1 से 3 साल, एक्सपेंशन के लिए भी लॉक इन पीरियड 1 से 3 साल है, और जो हम कह सकते हैं आईपीओ है, आईपीओ का भी 1 से 3 साल का फंडिंग है। तो एक्सपेंशन और आईपीओ 1 टू 3 ईयर्स, ये देखो लाइन देखो आप 1 टू 3 ईयर, जो वर्किंग कैपिटल के लिए था ये 3 टू 5, जो हमारा फर्स्ट स्टेज का फंडिंग था 3 टू 7, 5 टू 9 और 7 टू 10, हो याद हो गया होगा। अब आते हैं एक लास्ट में रह गया हमारा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो वेंचर कैपिटल फंड है, वेंचर कैपिटल फंड जो पूल करता है फंड को, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर से जो फंड लेके आते हैं और वो जब स्टार्टअप को देते हैं, वो जब स्टार्टअप में पैसे लगाता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता होगा, वेंचर कैपिटल स्टार्टअप में पैसे लगाने से पहले क्या कुछ एक प्रोसेस फॉलो करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, इतना रिस्क ले रहा है तो प्रोसेस तो फॉलो करेंगे। एक बैंक किसी को लोन देता है, उसमें जब प्रोसेस फॉलो करता है तो क्या वेंचर कैपिटल स्टार्टअप को फंड दे रहा होगा तो क्या उसमें वो अपना क्या कहते हैं रिसर्च नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या क्या स्टेप्स है खुद सोचो, सबसे पहले एक तो डील हमारे सामने आना चाहिए, डील ओरिजिनेट होना चाहिए, यानी कि स्टार्टअप है कोई जो पैसे चाह रहा है, कम से कम वो भी तो मेरे सामने आए। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कि वेंचर कैपिटल के सामने डील ओरिजिनेट होता है,
अब मुझे बताइए, किसी को पैसे की जरूरत है, एक स्टार्टअप को पैसे की जरूरत है और वेंचर कैपिटल पैसे लगाने के लिए तैयार है, इन दोनों को मिलाने के लिए कोई एक इंटरमीडियरीज होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो वो इंटरमीडियरीज जो है वो इन दोनों को मिलाने वाले काम करता है डील ओरिजिनेशन में। तो इस डील ओरिजिनेशन में ये देखिए क्या कहते हैं, डील ओरिजिनेशन, जिसमें ये वेंचर कैपिटल ऑपरेट डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरीज, मेनली मेनी पार्टिसिंग सॉरी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क एज इंटरमीडियरी। मतलब क्या हुआ, देखो, जिसको पैसे की जरूरत पड़ती है, आप सोचो एक स्टार्टअप को पैसे की जरूरत है, वो जाता है सीए के पास, कहते हैं मुझे ना पैसे की जरूरत है, और वो सीए अब वेंचर कैपिटलिस्ट को जानता होगा क्योंकि सीए के सर्कल में होंगे कि ये सारे वेंचर कैपिटलिस्ट है, इन लोगों को पैसे लगाने का मूड है। तो ये सीए इनसे इनके पास इंफॉर्मेशन आए, ये इनको कहता है कि हमारे पास है। तो इस तरीके से डील क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग क्या होगा, देखो ये सीए ने क्या करा, इसको वेंचर कैपिटलिस्ट को, ये जो सीए था, इसके पास क्या एक ही स्टार्टअप होंगे, बहुत सारे होंगे। मान लीजिए इनको तीन चार चॉइस दिया कि देखो स्टार्टअप वन, स्टार्टअप टू, स्टार्टअप थ्री, ये तीनों है आपके पास चॉइस है, आप देख लो। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, अब उसमें से स्क्रीनिंग करता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, उसको अब एनालाइज करके ये डिसीजन लेता है कि मुझे किस में पैसे लगाना है। ठीक है, तो अब आइए वापस, ये स्क्रीनिंग कर लिया। स्क्रीनिंग करने का मतलब सिलेक्शन करना, ठीक है जी, सिलेक्शन करना। कहते इट वुड सेलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करके सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रखता होगा। जब स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद ड्यू डिलीजेंस करते हैं, यानी कि अब उसके जेन्युननेस को कंफर्म करता है। जेन्युननेस के कंफर्म के मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करता है कि जिस डील को, मान लीजिए आपने थर्ड डील को, थर्ड स्टार्टअप को आपने स्क्रीनिंग करके सेलेक्ट किया, तो अब इसको ड्यू डिलीजेंस करते हैं। ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये हो गया कि उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करना, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, झूठ और सच का फैसला करना, ये सारे ड्यू डिलीजेंस होता है। देखो क्या बोलता है, नाउ वेंचर कैपिटल वुड कैरी द ड्यू डेलिजेंस, दिस इज मेनली द प्रोसेस। ड्यू डेलिजेंस क्या है, ये एक प्रोसेस है बाई विच वेंचर कैपिटल वुड ट्राई टू वेरीफाई द वेरेसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टेकन। मैंने बोला ना, एक वेरीफाई करिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कितना सच है कितना झूठ है, इस चीज को ड्यू डेलिजेंस बोलते हैं। वापस आइए, डील स्ट्रक्चरिंग, डील को आप स्ट्रक्चर करते हैं। कैसे डील स्ट्रक्चर करते हैं, देखो अब आपने ड्यू डिलीजेंस कर लिया, तो अब पैसे लगाने की बारी आएंगे। अब डील को कैसे स्ट्रक्चर करते हो, अब आप मुझे बताओ, 100% वेंचर कैपिटल ही तो पैसे नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, आप भी अपना पैसे लगा रहे हो, पर्सनल फाइनेंसिंग भी तो करोगे ना, नहीं तो सारे के सारे तो वेंचर कैपिटल ही ला लेगा, आपका ओनरशिप कहाँ रहा। अब इस डील में स्ट्रक्चर क्या करते कि देख भाई, मैं इतने पैसे लगाऊंगा, तू इतने पैसे लगाएंगे, इतना का रिस्क रिवॉर्ड मेरा रहेगा, इतने का तुम्हारा रहेगा, इसको कहते हैं डील स्ट्रक्चर करना। डील स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए ये कहते हैं कंडीशन दैट प्रोमोटर हैज ऑल्सो टू सेल पार्ट ऑफ इट्स स्टेक अलॉन्ग विद द वेंचर कैपिटल, सच ए क्लॉज इज कॉल्ड टैग अलॉन क्लॉज। ये कुछ क्लॉज वगैरह डाला जा रहा है कि देखो बाद में जाके जब वेंचर कैपिटल अपना स्टेक बेचेंगे, तो प्रोमोटर को भी अपना स्टेक बेचना पड़ेगा, इस तरीके का एक क्लाउज डालना। कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर ब्रॉट इनटू द ग्रोथ थ्रू द डील स्ट्रक्चर, डील स्ट्रक्चर, हाँ डील स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, डील स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट बोथ पार्टीज विल विन, विन विन सिचुएशन होना चाहिए दोनों के लिए। बोलोगे बोथ पार्टीज कौन आया, ये है ना बोथ पार्टीज, एक वेंचर कैपिटल आउटसाइडर पैसे लगा रहे हो और एक जो प्रोमोटर आप पैसे लगा रहे हो, क्योंकि आपका स्टार्टअप है तो आप ही तो प्रोमोटर हुए, तो प्रोमोटर और वेंचर कैपिटल के बीच में विन विन सिचुएशन होना चाहिए, इस तरीके का डील स्ट्रक्चर किया जाएगा। तो डील स्ट्रक्चर में आपको इन्हीं दोनों को बात करना है, प्रोमोटर वेंचर कैपिटल, प्रोमोटर वेंचर कैपिटल, इन दोनों के लिए डील स्ट्रक्चर होगा। फिर कहते हैं पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट कर लेने के बाद का क्या क्या एक्टिविटी होगा, इनका क्या एक्टिविटी रहेंगे, उनका क्या रहेंगे, इन चीजों को बताना, ये सारे चीज आपको देखना है कि देखो नॉमिनेट दी बोर्ड, इसके बाद बोर्ड में कौन कौन आएगा, नॉमिनेट कौन करेगा कंपनी में, कंपनी हैज टू अदर सर्टेन गाइडलाइंस लाइक MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टॉक बिल बजटिंग सिस्टम, यानी कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट जब हो जाएंगे तो
तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट का क्या क्या एक्टिविटी रहेगा, वेंचर कैपिटल का क्या क्या रोल रहेंगे, प्रोमोटर का क्या क्या रोल रहेंगे, कैसे हमारा सिस्टम मैनेजमेंट में काम की, MIS यानी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे बिल्डअप करेंगे, इन सारे चीज़ों को आपको बताना। और लास्ट में हो गया एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान क्या होता है, मैंने बताया ही था कि वेंचर कैपिटल लास्ट में जाके इस स्टार्टअप से एग्जिट करता है अपने होल्डिंग बेच के। जो अपना होल्डिंग बेचेंगे, जो अपना होल्डिंग ये बेचेगा, तो कैसे बेचेगा, मैंने बोला था ना IPO को अरेंज करेगा। तो ये डील जो है ना, ये एग्जिट प्लान भी पहले ही ये अपना डिसाइड कर लेगा कि मैं कैसे एग्जिट करूंगा। तो यही बोल रहा है कि एग्जिट प्लान के अंदर कि देखो IPO को अरेंज करेगा, दो तरह के एग्जिट कर रहा है। मेनली एग्जिट हैपन्स इन टू वेज। वन वे क्या कहता है देखिए, वन वे इट सेल्स टू द थर्ड पार्टी। मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी किसी को बेच दो, IPO नहीं लाते, बेच देते जिसको ट्रेड सेल बोला था मैंने। तो कहते वन वे हो गया कि सेल टू थर्ड पार्टी, है ना। दिस सेल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ IPO और प्राइवेट प्लेसमेंट और अदर वेंचर कैपिटल। यानी कि या तो IPO के थ्री हो सकता है, या प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि किसी एक थर्ड पार्टी को प्राइवेटली बेच देते हैं, कोई IPO नहीं लाते पब्लिकली, किसी एक दूसरे वेंचर कैपिटल को कहते ये लो हम अपने होल्डिंग बेच देते हैं। सेकेंड वे में क्या कहता है ये देखिए, एग्जिट इज दैट प्रोमोटर वुड गिव अ बाईबैक कमिटमेंट एट ए प्री अग्रीड रेट। मतलब क्या हुआ, दो तरह का डील हो गया, याद रखना। एग्जिट प्लान के अंदर दो वे आपको डील करना है। एक क्या कि मैं या तो IPO लाऊंगा या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से कोई दूसरे वेंचर कैपिटल को अपना होल्डिंग बेच दूंगा, एक वे ये हो गया। या दूसरा, पहले ही डील में कंफर्म कर लेते कि देखो 10 साल के बाद तुम ही मेरा शेयर बायबैक करोगे, यानी कि जो प्रोमोटर है ना, वो प्रोमोटर वेंचर कैपिटल का जो हिस्सा है वो खुद खरीद लेगा एक किसी एक प्री डिसाइड रेशियो पे। ये रेशियो पहले ही डिसाइड कर लेगा, वो बोलेगा कि देखो जब तुम्हारा बिजनेस स्टार्टअप हो गया, अब सारा चीज हो गया, तो अब आप एक काम करो, आप खुद ही खरीद लो। बोल रहा है कि देखो एग्जिट द प्रोमोटर वुड गिव द बायबैक कमिटमेंट, कि मैं बायबैक कर लूंगा प्री अग्रीड कमिटमेंट के बेसिस पे, जनरली बिटवीन IRR 15 से 18 से 25% का रिटर्न रख के, और उसको बायबैक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, पहले ही डील स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये एग्जिट प्लान हो गया। एग्जिट प्लान में दो चीजें आपको डील कर देना है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये क्या था, प्रोसेस, क्या प्रोसेस है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। होप याद कर पाओगे इसको। अब चलिए रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो, चलो मैं करता हूं आपके साथ, देखता हूं मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। पहला, एक तो डील ओरिजिनेट होगा, डील को स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद ड्यू डिलीजेंस करेंगे, ड्यू डिलीजेंस करने के बाद उसको डील स्ट्रक्चर करेंगे। डील स्ट्रक्चर करेंगे, ओनर और वेंचर कैपिटल के बीच में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, डील को स्ट्रक्चर कर रखेंगे, दोनों को विन विन सिचुएशन रखना है। जब डील स्ट्रक्चर हो जाएंगे, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट का एक प्लान बनाएंगे, पोस्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान, और लास्ट में एग्जिट प्लान। देखते क्या क्या मेरा छूट गया, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होगा और एग्जिट प्लान। देखो मुझे याद हो गए तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। चलो आइए वापस, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। अभी आप देख रहे थे मोदी जी ने 2016 में, मोदी जी बोलते सीधा क्योंकि हर चीज तो मोदी जी पे ही चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं मोदी जी ने 2016 में कुछ एक स्टार्टअप के लिए इनिशिएटिव किया था, जिसमें आपने देखा होगा बोला था कि टैक्स नहीं देना है, चलो कुछ आपको स्टार्टअप के लिए कुछ लोन आपको इतने सस्ते रेट पे दिला देंगे, सब्सिडी मिल जाएगा। उस इनिशिएटिव की यहाँ बात कर रहा है कि कहते हैं कि देखो ये नवंबर 2018 के RTP में क्वेश्चन डाला था इंस्टीट्यूट ने, जिसमें बोलता है एक्सप्लेन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। एक्सप्लेन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, क्या स्टार्टअप इनिशिएटिव ले रखा था गवर्नमेंट ने, इसके अंदर क्या क्या चीजें देखिए। इसमें बोलता है कि इसने पहले बताया कि स्टार्टअप किसको बोलेंगे, इस स्कीम के अंदर जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने, उसमें बोला था कि स्टार्टअप किसको बोलेंगे। तो जो 2016 को जब अनाउंसमेंट किया था, बोलते पीछे 5 साल चले जाओ, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 साल के अंदर तो उसको हम स्टार्टअप बोलेंगे, लेकिन उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही बोला है। नॉट प्रायर टू 5 ईयर, कि रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, वो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, नॉट प्रायर टू 5 ईयर, और नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, यानी कि एनुअल जो आपका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल जो है उसका 25 करोड़ से ज़्यादा का
टर्नओवर नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, वो एक वर्क कर रहा हो एक इनोवेटिव आइडियाज को लेके, उसके पास एक नया टेक्नोलॉजी है, नया आइडिया है, उस पर वो वर्क कर रहा है। फिर नीचे लिखा है कुछ, प्रोवाइडेड दैट सच एंटिटी नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटिटी। ऐसा नहीं है कि डीमर्जर करके, पुराने कंपनी को डीमर्ज करके नया कंपनी बना के आप रजिस्टर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि कुछ, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एंटिटी शैल सीज टू बी स्टार्टअप इफ टर्न ओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हैज एक्सीड 25 करोड़ और इट हैज कंप्लीटेड 5 ईयर। ये सब तो बस ये बोल दिया कि अगर 5 साल से ज्यादा हो गया या 25 करोड़ अगर आपका एक्सीड कर चुका है, कर जाएगा अगर, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एंटिटी शैल सीज टू बी ए स्टार्टअप इफ इट्स टर्न ओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हैज एक्सीडेड 25 करोड़ और इट हैज कंप्लीटेड 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्टार्टअप शैल बी एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट। वही सेम चीज बोला और कुछ नहीं है, बस दो ही चीज याद रखना है, 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये कहता है कि 25 करोड़ से ऊपर हो जाए या 5 साल से ज्यादा हो जाए, तो आपका जो स्टार्टअप जो बोला गया था वो सीज हो जाएगा, कोई रीस्ट्रक्चरिंग होके यानी कि डीमर्जर होके आपका कंपनी नहीं बनना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ टैक्स बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। स्टार्टअप शैल बी एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट ओनली आफ्टर दिस अबव। हाँ, ये जो आपका है ये टैक्स का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप सर्टिफिकेट ले लोगे किससे, इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड, मिनिस्टीरियल बोर्ड जो है उससे आप एक सर्टिफिकेट ले लोगे तो ये काम हो जाएगा। इसका नाम था हमारा एक छोटा सा चैप्टर जिसको हमने बोला था स्टार्टअप फाइनेंस, क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटा सा चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ हमने इतना टाइम, सफिशियंट टाइम दिया है ताकि एक एक पॉइंट याद हो गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट करिए, रिकॉल करिए। आप कहाँ से रिकॉल करिए, अगर आपको रिवाइज करना है तो इसको रखिए सामने। हाँ, इसमें एक काम करिए, वेंचर कैपिटल में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, आप अपने तरफ से यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि वेंचर कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर है, वेंचर कैपिटल का क्या एडवांटेज है, वेंचर कैपिटल कितना फंड जो होते कितने स्टेज में रेज होता है, वेंचर कैपिटल का जो है प्रोसेस क्या है फंड लगाने का। ये जो 5 टॉपिक हमने डिस्कशन किया था, क्या क्या टॉपिक था देखो, कि वेंचर कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर है, ढांचा क्या है, डोमेस्टिक फंड, ऑफशोर फंड, ये भी हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कि इसका एडवांटेज क्या है, जैसे बोला था ना लॉन्ग टर्म का फंड होता है, सॉलिड कैपिटल बेस होते हैं, जो वेंचर कैपिटल है वो हमारे को उसके पास एक्सपीरियंस है, उससे एक 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 डेटाबेस सॉरी एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, वो हमारे को आईपीओ तक लेके चले जाता है, ट्रेड सेल प्रोवाइड करता है, उसके सर्कल में जो कांटेक्ट है उससे एडिशनल बेनिफिट आ जाता है, ये सारे चीज़ जो हमने पढ़ा था एडवांटेज। फिर एक हमने पढ़ा था इसका स्टेज क्या है, सीड मनी, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।